इतना टाइम है, छोड़ दी क्या? शाला एवरीबॉडी होमवर्क किया है सबने? चलो निकालो रजिस्टर्स फास्ट। डिस्कस करेंगे अभी, चलो फटाफट टेक योर प्लेसेस फास्ट एवरीबॉडी। ओके आर यू गाइस रेडी? हाँ अच्छा, आ रही है, बुलाइए, आएगी। चलो एक बार फटाफट क्वेश्चन चेक करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आर यू गाइस रेडी? बोलो हरर मारे। चलिए लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पूछो क्या? हरर महादेव लाइव स्ट्रीम और जड़ी पड़ी में मेरे को कोई फोन के ऊपर फोटो खींचोगे तो क्वेश्चंस दो, डिस्कस कर ले। फोटो खींचा किसी ने? कहाँ भेजा? आ गया आ गया शॉ आ गया। ये वाला सवाल है जो आया नहीं आपको। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जब पीछे के खड़ा हो जा, क्वेश्चन पांच बार लिख के रहा नालायक। मिस्टर व्हाइट, ये वाला मिस्टर व्हाइट इज वर्किंग एज अ चीफ अकाउंटेंट इन द व्हाइट मेटल लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी प्रपोज टू चार्ज हिम विद द ड्यूटी इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा क्या होगा रे तुम्हारे, जाने दो, बताओ। आउट ऑफ सिलेबस का है तुम्हें, ड्राफ्टिंग और रेजोल्यूशन का चैप्टर नहीं है, सो इट्स ओके। ठीक है, इसको छोड़ दिया तो चल जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमें, चलो शानदार। पिछले और किसी क्वेश्चन में डाउट है? मॉड्यूल सब लेके आ गए ना आज क्या? वन टू थ्री तीनों मॉड्यूल लाने थे, सवेरे मैसेज भी डाला था मैंने उठ के, खास मैसेज डालने के लिए उठा था मैं। तीनों मॉड्यूल लाए सबने? तो फॉरेन कंपनी पढ़ोगे क्या में से? थैंक यू। चलो औ बगीचा बस पटापट। चलो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया रेज हो जाओ पीछे जाके, चलो जल्दी फास्ट। औ बगीचा औ, चलो स्टार्ट कर। हाँ कहाँ हुआ, कॉपी कहाँ छूट गया, कहाँ छूटा, हॉस्टल पे छूट रहा हूँ। ठीक है पीछे आके खड़े हो जाऊं। ओह माय गॉड वेरी सॉरी पीछे। चलो स्टार्ट करे, तू उस दिन भी खड़ा नहीं था। अच्छा मेरे को याद है बेटा, दूसरे दिन बोला तूने खड़ा रहेगा करके, तेरे को क्या लगा मैं भूल गया? दो दिन का ड्यू हो गया तेरा, अभी कब खड़ा रहेगा? दिवाली में खड़ा रहेगा? बम्पे बम्पे खड़ा मत रहना, बैठ जाना ना लायक। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। आर यू गाइस रेडी? हाउ इज जोश? अच्छा होमवर्क चेक किए बगैर तुम खड़े नहीं रहोगे, ऐसा कोई व्रत है क्या तुम्हारा? हाँ ऐसा कोई व्रत है तुम्हारा कि मैं होमवर्क नहीं चेक करूंगा तो खड़े नहीं रहोगे?
जबरदस्ती फंस जाओगे, आए को एंड के 15-20 लेक्चर के लिए जबरदस्ती खुद की बेइज्जती करवा रहे हो, हाँ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना। कल का LLP मस्त लगा सबको? कितना अच्छा चैप्टर, मतलब इतना अच्छा चैप्टर भगवान ने, मतलब दूसरा कोई बना ही नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं तुमको। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक बार सभी सेक्शंस और रिफॉर्म्स का रिवीजन कर लेते हैं। आयो गाइज रेडा, गाइज ओके। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पूछो क्या। चलो स्टार्ट करे, बोलो आया ना। ओके लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तुम बिना होमवर्क चेक के उठोगे नहीं क्या? अरे यार मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो वीडियो निकालते पहले, जिन्होंने नहीं किया पहले ही खड़े हो जाओ, बाद में तुम्हारी वाट लगेगी। जो वीडियो में नहीं रहेगा वो जाएगा, आप मैं बता रहा हूं तुमको। बोले चलो खोलो रजिस्टर, रुको बाहर लगन था माउंट है। चलो हाँ इके तुझ्याकडे आलो घे। ये व्हाइट व्हाइट क्या लगा है? अच्छा व्हाइटनर है मैडम। ई सी डी ए बी सी डी ईश मार्जिन में, 1 2 3 4 बी ईसी मार्जिन में। लेके जाओ क्या बुक, लेके जाओ क्या दो? नहीं सर। मस्त मार्जिन मार्जिन ड्रॉ करने कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसको ही मार्जिन कर, ड्रॉ कर रहा है। स्पेस छोड़ा, स्पेस बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ना, मार्जिन के लिए नहीं। डायरी अरे नोटबुक तो दूसरी लाओ जीवन में, ये क्या है? ये लेके जा रहा मैं। तुम्हारे 5-10 मिनट देख लो, कितने क्वेश्चन हो गए? 257। आंसर को अंडरलाइन कर लो और लास्ट वाला और उसके छोटे। इधर लाओ बुक, गरीब लड़के। इधर आंसर को अंडरलाइन नहीं, इधर आंसर को अंडरलाइन नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। अरे वाह, क्या कौन सा पहले क्यों नहीं बोला? प्रोविजन लिखा है कल का क्वेश्चन, हाँ तो कल का किया था। कौन सा ड्राफ्ट बोर्ड रेजोल्यूशन वाला? अभी डिस्कस किया मैंने जस्ट, वो नहीं आया तो ठीक है। जैसे कौन कौन खड़ा नहीं था नालायक? मैडम आप खड़े नहीं थे क्या? हाँ खड़े नहीं थे। लो बैग लो, बाहर जाओ, इधर बैठे हुए दिख रहे मेरे को। जब वार्निंग दिया तब क्या कर रहे थे? जाओ बैग लो उठाओ, बाहर जाओ जल्दी, फास्ट जल्दी जल्दी।
बैग भी नहीं उठानी। पन्ना पलटो, ये क्या लिखा है? इधर का आंसर किधर है? अरे रुको, अच्छा हाँ, इधर जमा करो सब रजिस्टर। आंसर किधर है इसका? किसकी बुक है? समझ नहीं आई, इतना पूरा लिख लिया जीवन में, नैन में बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, मजाक चल रहा है लाइफ में? हाँ बच्चा, हुआ ठीक से लिखा इसलिए छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखाएगा इधर सबने? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तूने किया क्या होमवर्क? हाँ इधर वाले, उधर जमा करो, चल खोल, तू जा उधर पीछे खड़ा रहे, चुप रहे तू वाला। क्वेश्चन नंबर के ऊपर है, ऊपर। हाँ वो क्या? हाँ वो किधर? इसने लिखता तू? दो सौ पचपन में कैसे तू? कंप्लीट कर, किधर डालते क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर किधर डालते? दिया लास्ट में, बाद में डालना। हाँ कितने लोगों के थे ये? तीन ही के तो चेक किया, चौथा, चौथा भी क्या आपका रजिस्टर? हाँ उधर के रह गया ना, ये बुक है जेरोक्स है, एंड लेफ्ट साइड की मार्जिन क्या है, किधर है? किसका बुक है? अच्छा रजिस्टर कलेक्ट करके लेके जाना है तुम्हारे, वरना वाव बुक और सरप्राइज दोनों नहीं मिलेगा। जाना आता का इन्विटेशन दूंगा तुम्हारा, का पत्रिका छापून दूंगा। क्या है सबने? आ जाओ अंदर, आ जाओ, रुको रुको इधर ही रोको, होमवर्क चेक कर सके 257 क्वेश्चन नंबर पर्यंत झाले असेल त्याला साथ छोड़ फक्त। तुला मी उद्या घरी ठेवणार आहे, तू लक्षात ठेव, यूज नको तू दिवाळी नंतर, तू आत्ता बॅग उचल आणि घरी जा। 120 ते काय ऐकायचंच नाही आम्हाला तुझं, बॅग उचल घरी जा, काय काय गरजच नाही, जा बाहेर, चल चल पटकन 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 चल बाहेर, तूही जा। होमवर्क कोण करेल आणि 120 क्वेश्चनचं काय? तुमची जबाबदारी जास्ती आहे दोघांची, लेक्चर देख के भी होमवर्क करना तुम दोनों को जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे, बाद में जब फटेगी ना तब मेरे पास आओगे रोते रोते। आणि ते 120 क्वेश्चन साठी काय रीजन आहे?
तुम बैग लो बाहर जाओ, तुम दोनों का सच में मैं एक दिन ऐसा गंदा झाप दूंगा तुम दोनों को, बहुत बेइज्जती कर दूंगा, मैं बता रहा हूं तुमको। मेरा दिमाग खराब रहा ना एक हद दिन, तू वही नहीं रहा, तू वैसू तिकडे जाऊन उभा रहा त्याच्या बाजूला, उठ इतना तिकडे जा। जब फटेगी ना तुम्हारी, तुम मेरे पास रोते हो आओ, तुमको ऐसा बजाता ना उस दिन, नहीं तुमसे उस दिन 100-100 क्वेश्चन लिखवाए तो शर्त अपनी। मैडम बुक दो तुम्हारी जरा, कितने क्वेश्चन हुए, सेक्शन 7 किए क्या सब? कल मैं तुमसे पूरे सेक्शन पूछूंगा, नहीं तो परसों से आना मत दिवाली के बाद, दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। जालेगा कितने लोग हैं? ठीक, इधर किए क्या सबने? उसकी उसकी बुक दिखा। हाँ मार्जिन किधर है? ठीक है मार्जिन किधर है? पीछे का रह गया, आगे का हो गया, क्या कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है, क्या क्या इधर सबने? चल लखन 257 क्वेश्चन चेक केल्याशिवाय कोणाला सोडायचं नाही, आणि मुलं उल्लू बनवायचा प्रयत्न करतील, आधीचे चेक कर 10-15 पेजेस आधीचे टर्न करून। चलो स्टार्ट करते ध्यान देना। आर यू गाइस रेडी? जिन्होंने नहीं किया उनको बाहर ही रख। हाँ नंबरिंग इधर Z257 नहीं किए उधर उनको मेरे पास भेजो। चलो स्टार्ट करें बच्चों, बोलो हाँ है ना, एक बार रिवीजन करते पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। लाइव स्ट्रीम वालों हाय, तुम बच गए नालायक लोग, तुम तो एक बार मिलो मेरे को कभी रस्ते के ऊपर, तुम्हारे नहीं तुम्हारे पूरी 300 सवाल निकाले तो शर्त अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान देना। जर्नी फक्त 257 नहीं के लिए त्यांना पाठव, नंबरिंग का इशू है ठीक करो इसको। तो कब करेगा जल्दी? लखन को ही ट्रेन कर देता एक दिन मैं, अभी होमवर्क चेक करने के लिए। कहा 254 पब्लिक 257 पे तीन क्वेश्चन कहा है? टैली करो, कल कंप्लीट चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर कुठे वरचा केव्हा टाकशील? सगळे वरती क्वेश्चन हे असा जसा लिहिला बाकी का नाही लिहिला? जा कितने हुए काय 257 जाओ। लखन से कोई उज्जत नहीं करेगा मैं बता रहा हूं, उधर ही बाहर ही निकाल दूंगा मैं स्ट्रेट अवे। क्यों दो क्वेश्चन का है? कल टैली कराओ वरना कल से क्लास में नहीं बैठने दूंगा। चल बोलो ठीक है, बैठो बैठो। शरोडा ने एवरीबडी आर यू गाइस रेडी? ओके कितना किया बैठ? सर आज तुम किससे झगड़ के आ गए? सर
बैडमिंटन में तो रोज हारता हो, उस हिसाब से तो मैंने तुम्हें टॉर्चर करना चाहिए रोज। मॉड्यूल निकालने का है, मॉड्यूल नंबर टू डिपॉजिट चैप्टर के वन वन सॉरी वन मॉड्यूल वन में डिपॉजिट है। देख बैठो जल्दी जगह ले आओ बे भिखारी जल्दी आ। शरडा ने एवरीबॉडी आर यू गाइस रेडी लेट्स गो। एक बार फटाफट फटाफट गाइस एक बार फटाफट सेक्शंस ले लेते, एक दो दिन हो गए सेक्शंस रिवाइज नहीं किए। ठीक है अब मुझे बच्चों बिना आवाज किए बिना एक दूसरे से बात किए मुझे सेक्शन नंबर्स चाहिए। जिस सेक्शन के ऊपर आवाज कम हुई मैं पूछूंगा भी नहीं कि क्यों कम हुई क्या हुआ या तुम्हें सेकंड चांस मिलेगा, क्योंकि अभी लास्ट रिविजन्स के एरियाज है और इन रिविजन के एरियाज में हार्डली हमारे पास में 10 से 15 लेक्चर्स बाकी है रिविजन के। अगर ये 10-15 लेक्चर्स में जिसने सेक्शन या ई फॉर्म ठीक से रिवाइज नहीं किया उसके साथ कुछ ही नहीं हो सकता। ठीक है तो ये 10-15 लेक्चर्स के अंदर मैं जो बोलूं चुपचाप वो लिख के लाना। रूल पहले से ही मैं मेंशन करके रख रहा हूं, 10 बार नहीं मेंशन करने वाला, 5 बार जो भी चीज बचेगी 5 बार, जो भी जहां पे आवाज कम होगी 5 बार। ठीक है सो तुम्हारे लिए भी बर्डन नहीं होगा पर मेरा जो काम है याद करवाने का वो भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यस सर ना। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना, आर यू गाइस रेडी, लेट्स गो। सेक्शन नंबर 138 यही से 5 बार शुरू करें अभी जीवन में। इंटरनल ऑडिट 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं वार्निंग भी नहीं दूंगा मैं स्टेट अवे रेस करवा दूंगा। 136 इंस्पेक्शन बाय मेंबर, 135 सीएसआर, 134 बोर्ड रिपोर्ट, 133 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 132 नाफरा, 131 रिविजन, 130 रिओपन, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आ रहा है 120 अच्छा एओसी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एओसी 4 एक्सबीआरएल, स्पेसिफाइड कंपनीज का क्या, कौन सी कंपनी स्पेसिफाइड है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर एओसी फोर एनबीएफसी, एओसी 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है लिख कर को होमवर्क, कल बजा दूंगा नहीं तो, उसके बाद में याद करना। एओसी 2 और 3 मैंने अभी तक बताया नहीं है इसलिए मैं उसको रिवाइज नहीं करवा रहा, आज मैं बता दूंगा। ठीक है तो मैं पूछ भी नहीं रहा। सेक्शन नंबर 127 क्या, 30 डेज क्या, डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डे, 126 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेक्शन नंबर 125 आईपीएफ, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर टू द ओपीसी, 121 फाइलिंग ऑफ 120 इलेक्ट्रॉनिक, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 118 मिनट्स, 117 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, 116 एडजर्नमेंट, 115 स्पेशल नोटिस, 114 ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन, 113 कॉर्पोरेट प्रॉक्सी, 112 गवर्नमेंट प्रॉक्सी, 111 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 110
पोस्टल बैलॉट, 109 पोल, 108 इलेक्ट्रॉनिक, 107 हैंड, 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, 105 प्रॉक्सी, 104 चेयरमैन, 103 कोरम, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 101 ऑन द नोटिस, 100 ईजीएम, 98 EGM by NCLT, 97 AGM by NCLT, 96 AGM, 95 Evidence, 94 at Registered Office. अच्छा, आज इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देना है मेरे को, तो मेरे को पहले याद दिलाना, कल के रिगार्डिंग है, ठीक है? 93 नहीं है, 92 एनुअल रिटर्न, 91 क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 90 इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर, हमारा बाकी यही है, 89 रोबो, 88 रॉम, MGT 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, MGT 14 फाइलिंग ऑफ मीटिंग ना, लास्ट बेंचेस में से किसको याद है ये? बच्चों लोगों को याद क्यों नहीं है? स्पेसिफिकली लिख के रखना, मल्टीप्लाइड बाय 5 बार दोनों ही फॉर्म्स लास्ट बेंचेस के लिए, ठीक है? ठीक है, तो एमजीटी 15 सबके लिए है, ठीक है? आके मैं कल चेक करूंगा, ठीक है? और मैं इस मामले में सीरियस हूँ, क्योंकि मेरे पास अब है बचे हुए 10-15 ही लेक्चर्स, तो मैं इस चीज को जाने नहीं दे सकता। किसने बोला था? तो 10 बार लिख के ला, बेकारी मानुस, फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन को फाइलिंग ऑफ मीटिंग बोल रहे हैं नालायक। लेट्स गो, एमजीटी 13 रिपोर्ट ऑफ पोल बच गए, एमजीटी 12 पोलिंग पेपर, एमजीटी 11 जोर से बोलो प्रॉक्सी, एमजीटी 10 नहीं है, एमजीटी 9 एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन द बोर्ड रिपोर्ट। उधर लास्ट बेंचेस बहुत हालत खराब है एमजीटीज की, सिर्फ हार्डली एक या दो बंदों को याद है वो एमजीटीज। मेरे को कल ये सिचुएशन किसी का भी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो कल मैं तुम्हारे एमजीटी 10 बार लगा दूंगा सबके, ठीक है? वीडियो मैंने पहले ही ले लिया है। लेट्स गो, एमजीटी 8 सर्टिफिकेट बाय सीएस, एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न, एमजीटी 7 ओपीसी स्मॉल, एमजीटी 6 को क्या है कंपनी टू आरओसी, एमजीटी 5 बो, एमजीटी 4 रो, समझ में आ रहा है, एमजीटी 3 फॉरेन रजिस्टर, एमजीटी 2 रॉड और अदर सिक्योरिटी होल्डर, एमजीटी 1 रॉम। क्लियर है? सेक्शन नंबर 87 कॉन्टिनेशन ऑफ डिले, 86 कॉन्ट्रावेंशन, 85 रजिस्टर बाय कंपनी, 84 83 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय होल्डर आरओसी थर्ड पार्टी, 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, 81 रजिस्टर बाय आरओसी, 80 नॉलेज, 79 चेंज, 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय, 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, सीएचजी 9 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय सीएचजी 7 रजिस्टर ऑफ चार्ज सीएचजी 8 कॉन्डोनेशन, सीएचजी 6 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सीएचजी 5 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सीएचजी 4 एप्लीकेशन, सीएचजी 3 मॉडिफिकेशन, सीएचजी 2 सीएचजी 1 मालूम है किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेज हो जाओ बेटा, चश्मे वाली ब्लू जैकेट वाली लड़की, अगर तुमको इनविटेशन देना पड़ता है, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करके, हैं? याद है सब सी एच जी? आप नहीं, आप बैठो, सी एच जी याद है सब? नहीं याद है, कन्फर्म नहीं याद है, फिर भी मोबाइल में देखना है, फिर ध्यान कहाँ था? सी एच जी सब कल 5 बार नोट डाउन करके रख रहे हो, क्या याद है क्या नहीं है रफ में? सी एच नोट डाउन किए हैं? साइड वाले बताओ, नहीं किए? तुमको भी दे दूंगा मैं 5-5 बार, झूठ बोलोगे तो
सीएजी याद है या नहीं है? कल 5-5 बार सब ठीक है, मेरे को चाहिए। अब सेंट रहने की कोशिश मत करना, नहीं तो परमानेंटली कोशिश कर लेना। बोलो हाय। आगे नेक्स्ट सीएजी के बाद में सेक्शन नंबर 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, समझ में आ रहा है? 72 नॉमिनेशन, 71 डिवेंचर, 70 कॉन्ट्रावेंशन, 69 68 67 65 64 फ्लाइंग विद द आरओसी, 63 बोनस, अरे 66 रह गया रिडक्शन, 62 फर्दर इशू, 61 अल्ट्रेशन, 60 पब्लिकेशन, 59 करेक्शन, 58 रिफ्यूजल, 57 फ्रॉड, 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन, 55 54 53 52 51 SH, मेरे को नहीं लेना, मेरे को भी इसमें SH लेना है, मेरी मर्जी। किसको चाहिए कि मैं पूरा लिखूं ये? गुड बॉय, लेट्स गो। SH 15 किसका है? बाय बाय का सर्टिफिकेट ऑफ बुटकी का है? कधी तो अमावस्या पूर्णिमा येते एखादी वेळेस, लेट्स गो। SH 14 है क्या? नहीं है। SH 12 13-14 सच में नहीं पता तुमको? नहीं है करके 5 बार लिख के लाओ, नहीं है करके तो क्या जीवन में कंफ्यूज हो रहे हो? लाइफ में जो नहीं है वो तो याद कर लो कम से कम। SH 12 डिवेंचर ट्रस्टी, SH 11 रिटर्न ऑफ बाय बैक, 10 रजिस्टर ऑफ बाय बैक, 9 सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, 8 ऑफर डॉक्यूमेंट, 7 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, 6 5 4 3 2 1 सांडर, 50 एडवांस कॉल, 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 लिस्टिंग, 39 अलॉटमेंट, 38 आप अभी तक लाइव स्ट्रीम में बैठे थे क्या मैक्सिमम टाइम? हाँ, याद नहीं है कुछ भी? क्यों बैकवर्ड याद नहीं रहता? आदत नहीं होगी, इट्स ओके। 37 जोर से बोले एक बार, प्रोसिक्यूशन, 36 35 34 33 अवरेज, 32 रेडिंग प्रॉस्पेक्टस, 31 एडवर्टीजमेंट, कौन मैं बोलू जीवन में, 29 28 ऑफर सर, 27 26 25 24 पास ऑफ सेबी, पास ऑफ सेबी मैंने बताया नहीं आपका एड्रेस, सिलेबस में नहीं है ये। 23 काइंड्स पास, 25. पीछे पास की भी हालत खराब है तुम्हारी, एमजीटी भी खराब है, पास भी खराब है, कब करोगे? कल मैं लिटरली बोल रहा हूं, जितने लोग वहां पे बैठे हैं, कल मेरे को एमजीटी और पास चाहिए टंग पे, ठीक है? किसी भी हाल में आज रात जागो, दिन जागो, एक दूसरे को जगाओ, लेकिन मेरे को कल पास एंड एमजीटी चाहिए। PS 5 रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, 4
3, return of allotment 2, 1, bye. इक्कीस, बीस, बीस से बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया. 20 ए ई फॉर्म है एंड 10 ए सेक्शन है, कंफ्यूजन करना मत. 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी. 18 कन्वर्जन. 17 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9. अरे ये आना चाहिए ऐसे फट 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 फट. 8, 7, 6, 5, 4, 3. अरे हट भिखारी. 292 ना लाख. अनलिमिटेड कंपनी 288. स्वेट इक्विटी शेयर 287. सब्सिडरी 285. 284. 283. नहीं ये जाओ दे. 277 रिलेटिव. 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. 271 पब्लिक. 270 प्रोस्पेक्टस. 269 268 प्राइवेट कंपनी. 267 प्रीवियस कंपनी लॉ. 262 ओपीसी. 251 की मैनेजरियल पर्सन. 246 245 242 फॉरेन. 241 ला 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 ला. कल पूछा था मैंने तुमको कि अभी लिख लो पांच पांच बार, तुम मेरी बात मानते ही नहीं जीवन में. अरे तेरे को आता है, कब समझेगा तू इस बात को. तेरे को आता है, तेरी बाजू वाली को पूछो हंस रही है, उसको मालूम ही नहीं जिंदगी में चैप्टर भी कौन सा ये करके. मालूम है क्या चैप्टर मालूम है ना, इफॉर्म नहीं मालूम. इफॉर्म ही मालूम है. ऐसे ऐसा चाहिए जीवन में. लेट्स गो आगे बढ़े. बोलो हाँ है ना. उसके किधर गया, किधर गया? अरे किधर, हाँ इधर. हाँ उसके बाद में 238 टू सबसेक्शन नंबर 34 33 32 31 30 28 28 बोलो ना दमू का तो किसका है बोलो. रीजनल डायरेक्टर फाइलिंग विद आर ओ सी ना, सही ना. ठीक है 27 26 याद है क्या आईएनसीस? मैं खून नहीं जलाता. फिर इतने सेक्शंस और चैप्टर्स तुमको याद होने चाहिए. साथ में आओ टू सबसेक्शन एम ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी. टू सबसेक्शन एन एक्सचेंज. टू सबसेक्शन ओ फॉरेन सिक्योरिटी. टू वी PRI PRO I सेक्शन नंबर 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. 2J डेफिनेशन. 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. 2E कैपिटल. जिनको याद नहीं आ रहा भिखारी लिख के तो रखो कम से कम. समझ में आया पक्का? चलो सांडदार. सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4
ये दो सेक्शंस के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन फेमा का बाकी है। मैं कल बैठे बैठे टैली कर रहा था कि और क्या चीज बोलनी चाहिए और क्या बोलनी चाहिए, तो मैंने कल एक लिस्ट बनाई है। तो अगर कोई भी चीज किसी भी चैप्टर की छोटी मोटी वगैरह पेंडिंग है तो उसको हम एक लेक्चर के अंदर कंपाइल करके ले लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना याद है सबको? किसको इसमें से सब कुछ याद है? ऑल सेक्शन नंबर, ऑल यूनिफॉर्म नंबर्स। चलो कितने लोग याद रेस करो, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज को याद रखना। कितने लोगों को 90% याद है? ओके, इसके नीचे जो भी है उनको याद है ये मैं नहीं बोलूंगा, यहां से सीधा और बाहर, सीधा बाहर, ठीक है। सो ये चीज को याद रखना। सो बेसिकली अगर बोलूं तो 90% के नीचे याद है ये लेवल पे, तो मैं इसको याद रखना नहीं बोलता। आई एम वेरी टू सॉरी टू से, ये 15 दिन पहले मैं बोल सकता था कि 90% के नीचे याद है तो आपको याद है, पर अब मैं इसको 90% के नीचे याद रखना नहीं बोलता। आपको मिनिमम 90% सेक्शंस और रिफॉर्म याद आने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, आपकी हालत खस्ता है, कंपेरेटिवली आपके बाजू में जो बैठा है जिसको 90% याद है उससे आप कम मार्क्स लेके आओगे, सिंपल एज दैट। इट साउंड्स हार्श बट इट इज रियलिटी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना जोर से बोले सर नो। चलो आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। होमवर्क चेक कर लो सके इनसे, केला है क्या सगैनी? होमवर्क केला है, चेक केला ना, नहीं तुला उभ करेल लखन में, लखन को क्लास के बाहर निकाल दो, बाहर ही रहता है। चलो एवरीबॉडी, आज क्या सिखाने वाला हो? तीनों लाए ना, वेरी गुड। मॉड्यूल 1 लाना था, मॉड्यूल 2 ला, सवेरे महीने 5 बजे मैसेज डाला था उठ के, क्या पढ़ा नहीं मैसेज? वो बाबू सोना पिका चुका बड़ा वो पढ़ लिया होगा। आ मेला बाबू उठा, मेले बाबू का उठ गया, सॉरी मेरा बाबू उठ गया, वो पढ़ लिया होगा। हाँ फोन चेक नहीं करते? मेडिटेशन कर रहा था सवेरे, जिस हिसाब से तेरी हरकतें है ना, चलो आज हम पढ़ाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं चैप्टर डिपॉजिट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ, सांगा हो। ए मेरे को बहुत जोर से जोक आया है, कल एक लड़की ने मेरे को बताया, बोले मूंगी चीटी और मच्छर इनके बीच में वर्ल्ड कप हुआ तो चीटी जीत गई, पूछो क्यों? क्योंकि मच्छर ऑल आउट हो गए। अच्छा लगा जो? बहुत अच्छा था ना, बोलो अच्छा था ना। वो भगवान कफ सिरप क्यों नहीं पीता पूछा क्या मैंने तुम्हें? भगवान कफ सिरप क्यों नहीं पीता? क्योंकि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता तो कफ सिरप क्यों पिएगा? सिंपल ना। थैंक यू सो मच, अच्छा था ना ये? थैंक यू सो मच। हाँ तू लिख रहा है विंड डीजल सस्ता, लेट्स गो, स्टार्ट कर, बोलो आया ना। आर यू गाइस रेडी? क्या हुआ, गाना गा रहा है वो? गाइज
बोलो अंबा, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। खुश बहुत थे, सिर्फ आपका जोक सुना और हम दुखी हो गए क्या? लाइव स्ट्रीम में सबको जोक पसंद आए दोनों के दोनों, प्लीज बताइएगा मुझे। चलो आगे बढ़े। हाँ है ना, सवेरे सवेरे ऐसे जोक सुनते जाओ, ऐसे पांच जोक एवरीडे सवेरे सुनो, अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा आईक्यू बढ़ जाएगा जीवन में, ठीक है? ओ ओ ओ दान धर्म, ओ उठ उबरा रेस, हजार बार बोला है लोगों के दान धर्म करना बंद करो करके क्लास में। तूने बिस्किट लिया ना, तू भी खड़ा रहे, रेस 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 रेस, इतना एटीट्यूड में खड़ा रहा हो, ऐसे बिस्किट जो लिया ना ऐसा करके खड़ा रहा हो कि बिस्किट खा रहा है, क्या ही खा रहा है, क्या दिया था उसने? लेट्स गो आगे। फर्स्ट टाइम फॉरमोस्ट गाइस गाइस गाइस, टाइम पास अब साइड में, बच्चों एक सेकंड होल्ड, टाइम पास बाजू में, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर बैठो, आप खड़े रहो, आपने दिया ना बिस्किट, लेट्स गो। सो पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए। अब जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं, चैप्टर छोटा है, पर वो चीजें होती है ना जो छोटी दिखती है पर बड़ी हो जाती है, नहीं बिकारी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल रहा हूं मैं नालायक, ठीक है? बड़ी हो जाती है दोनों, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं डिपॉजिट चैप्टर के साथ में। आप आज ये पेज नंबर 5.2 के ऊपर, ठीक है? हालांकि डिपॉजिट चैप्टर के सेक्शन हमने पहले ही याद कर लिए हैं, 5.2 के ऊपर आने के बाद में यहां पे मैं आपको डिपॉजिट्स के बारे में कुछ अच्छी चीजें मेंशन करूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से कृपया ध्यान दीजिएगा। आर यू गाइस रेडी? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझ में आनी चाहिए, बच्चों प्लीज ध्यान देना, अब बातें नहीं चलेगी अदरवाइज रेज हो जाओगे। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डिपॉजिट एंड अ लोन, डिपॉजिट और लोन के बीच में फर्क क्या है? एनीवन? मस्त, वाह, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लेना पड़ता है क्या? तो दे, नेहा ने आंसर दिया है भैया, मतलब एक मिनट अभी बात समझे तुम, लॉजिक कितना, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लेना पड़ता है, अरे बदले में कोई देने वाला भी होगा ना दूसरे साइड पे, बोलो हाँ या ना, कोई फालतू डिफरेंस, तू रहने दे भाई, तू शांत बैठ दो मिनट जरा पढ़ाने दे। सो मुझे सबसे पहली बात बताओ, डिपॉजिट और लोन के बीच में फर्क जेन्युइनली अच्छा वाला बोलना, ठीक है? एनीवन यस बोलो, हाँ, डिपॉजिट्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म, मैंने शॉर्ट टर्म एफडी किया 2 महीने का, एनीवन? लोन इज वन टाइम पेमेंट, मैं इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता हूं होम लोन, हाँ इफ वी गेट द मनी दैट इज अ लोन एंड इफ वी गिव द मनी दैट इज डिपॉजिट, एंड दूसरे के एंगल से वाइस वर्सा हो जाए, हाँ बैंक के लिए लोन इज अ बेनिफिट एंड डिपॉजिट लॉस, हाँ हाँ यस, डिपॉजिट्स आर कैटेगराइज इनटू इन्वेस्टमेंट, व्हाट इफ मैंने डिपॉजिट लिया है तो इन्वेस्टमेंट में लाइबिलिटी में आएगा, डिपॉजिट्स आर कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी होती है, लोन आर नॉन कोलेटरल, मेरे होम लोन में मेरा होम गिरवी है, लोन कैरीज ऑन टिल यू पे, डिपॉजिट्स कैरीज ऑन टिल यू डोंट पे, डिपॉजिट कैन बी टाइम डिपॉजिट,
इट कैन नॉट बी अ टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है। डिपॉजिट के अंदर लोन आता है, मैंने तो सुना था डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट ही आता है। तो बैंक में डिपॉजिट रखता है तो उसमें लोन भी आ जाता है क्या? हाँ, एक एक सबने ये आंसर सुनना, मतलब इतना बेसिक डिफरेंस है ना, जब मैं बताऊंगा तुम बोलोगे यार ये तो इतना सिंपल था। हाँ, डिपॉजिट मैंने किसी से लिया है तो वो लाइबिलिटी हो गया, लगेज। दो सेकंड तो रुको खुद के आंसर पे। हाँ, इधर किसी ने हाथ रे, बोलो बेटा। लोन स्पेसिफिक, डिपॉजिट जनरल, तो फिक्स डिपॉजिट जनरल पर्पज रहता है ना। एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेलीकम्युनिकेशन के सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंटल डिपॉजिट। हाँ, एनीवन, एक एक जन ही आंसर। हाँ मैम बोलो। डिपॉजिट कैन बी सेविंग्स, डिपॉजिट जब चाहे तब निकाल सकते, लोन जब चाहे तब रिपे नहीं कर सकते। बोल रहे एक बार, एक जन का एक बार हो गया। हाँ हाँ, एनीवन मोर? लोन में लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है, लमसम अमाउंट मिलता है, और डिपॉजिट के ऊपर गांव में साहूकार के पास जाओ, वो इंस्टॉलमेंट में लोन देता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 4 फैक्ट्री सेट कर रही है, इंस्टॉलमेंट में लोन मिलेगा। डिपॉजिट मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। किसने बोला डिपॉजिट 36 मंथ्स का होता है? 12 में भूल जाना। हाँ, एनीवन? यस बोलो। डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन। हाँ, वो पहला लाइन जो पढ़ के बोल रहे हैं ना भिखारी लोगों, तुम मॉड्यूल बंद करो नालायको, डिपॉजिट इंक्लूड लोन वाले। मैंने मालूम है तुम कहां से देख रहे हो, मैं नहीं लिखा है वो मॉड्यूल, ठीक है? तो भिखारी बने कम करो। फोकस, डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड होल्ड। इफ यू आर मेकिंग अ फन ऑफ हिम ना, यू डोंट नो ही इज राइट। मैं अभी अभी आपको समझाता हूं, ही इज गोइंग राइट, सिर्फ उसने नॉमिनक्लेचर्स गलत यूज किए हैं, बट द कंसेप्ट इज राइट। अब जरा गौर से सुनना, ठीक है? फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। अब किस प्रकार से उसने बोला है मैं मेंशन करता हूं, ध्यान देना। अगर आपको डिपॉजिट और लोन का क्लियर डिफरेंस समझना है तो आपको डेटर और क्रेडिटर का क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिपॉजिट दिया, तो ये दोनों में फर्क क्या है? पहले तो इसलिए ये डिसाइड कर लो, बेटा उधर रेड टी शर्ट फोकस किया मेरे को बोर्ड पे, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो, फोकस करना, कि इसमें से डेटर क्रेडिटर कौन है। नाउ टेल मी, ए इज अ डेटर और क्रेडिटर? हेलो, तेरे को डेटर क्रेडिटर मालूम है क्या? हे, तेरे को तो पता होगा कम से कम। अरे भिखारी लोगो, अरे तुमको कुछ शर्मा वर्मा है कि नहीं? ए डेटर है या क्रेडिटर है? ए डेटर है क्रेडिटर है? कुछ लोगों को मालूम नहीं। टर, अरे पागल होगे क्या तुम जीवन में? ए कौन है, डेटर है क्रेडिटर है? अच्छा, ईमानदारी से अब कितने लोगों को लगता है एक क्रेडिटर है? एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने लोगों को लगता है एक क्रेडिटर है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है ए डेटर है? अरे अरे तू शर्म कर रहे, अरे लाइव स्ट्रीम में भी आंसर नहीं दे रहे,
अरे भिखारी लोगो, एक कौन है, डेटर है क्रेडिटर है? वापस पूछता हूं, एक क्रेडिटर है, कितने लोगों को लगता है एक क्रेडिटर है? अच्छा, एक डेटर है, कितने लोगों को लगता है डेटर है? तो ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? कब बोला? जब मैंने पूछा क्रेडिटर है, हाथ रेज करो। डेटर है? अरे भिखारी लोगो, नालायक। वीडियो नहीं, वीडियो निकालने में इंटरेस्ट है, वो क्रेडिटर डेटर नहीं मालूम जीवन में। जो पैसे देता है, जिसने पैसे दिए, जिसको रिकवरी करने की है। और बाप रे बाप, मेरे को ये बनना है, मैं पैसे कमाऊंगा, डेटर क्रिएटर के नाम पे मेरे से पलटा हो रही है। सर ए, सो ए इज अ कैबल एक बाजू से क्रेडिटर एंड बी इज अ कैबल एक बाजू से डेटर। ये तो मैं इसका वीडियो अभिषेक सर को दिखाऊंगा कंपलसरी। ऐसा लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे ना तुम्हारा, तुमको समझ में आएगा जीवन में। सीधा बाहर, लेट्स गो, फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सो ए इज अ कैबल एक बाजू से क्रेडिटर एंड बी इज अ कैबल एक बाजू से डेटर। अब बहुत प्यार से सुनना, लोन इज ऑलवेज अ नीड ऑफ द डेटर एंड डिपॉजिट इज ऑलवेज अ नीड ऑफ द क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? तो उसने जो बोला वो सही बोला, तुम डिपॉजिट देने जाते हो, ठीक है, तो यू आर अ क्रेडिटर, यू गो टू डिपॉजिट, मतलब आप बैंक के पास जाते हो डिपॉजिट देने के लिए कि मुझसे डिपॉजिट ले लो। हालांकि डेटर को जाना पड़ता है लोन मांगने के लिए। पर सर हमने तो कई बार वो लोन वोन का एडवर्टीजमेंट देखे, हमको फोन आते रहते ये लोन ले लो वो लोन ले लो, दैट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर। अगर कल जाके एसबीआई बैंक ने तुम्हारे क्लास के सामने बोर्ड लगा दिया 8.4% होम लोन, जाओ लेके आओ, दे देगा, बिकॉज दैट बोर्ड इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। फिर तुम जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, दैट इज ऑफर, फिर लोन सैंक्शन होता है, दैट इज अ, समझ में आ रहा है? सो प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड, लोन इज अ नीड ऑफ अ डेटर। सब जन बोलो, क्या बोलना है? लोन इज अ नीड ऑफ, डिपॉजिट इज अ नीड ऑफ अ क्रेडिटर। हमारा चैप्टर लोन का है या डिपॉजिट का है? तो हम पूरे चैप्टर में नीड समझने वाली है किसकी, बोले एक बार, उसे क्रेडिटर। अब हम डिपॉजिट जो कर रहे हैं, वो डिपॉजिट यहां पे मेंशन किया जा रहा है दो पार्ट्स में। अब अगर आप बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान दो, तो डिपॉजिट ये टर्म अभी तक के जो तुम्हें याद है वो सिर्फ दो ही तरीके से याद है। एक होता है बैंक एफडी, बैंक का कौन सा, फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा टर्म जो तुम्हें याद है वो है बैंक का सेविंग डिपॉजिट। पर आज मैं तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। जैसे बैंक के एफडी होते हैं, उस तरीके से ही कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वर्क करते हैं। तो सर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मतलब, इज दिस चैप्टर अबाउट कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स? यस, दिस चैप्टर इज अबाउट कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जिसमें डेटर इज अ कंपनी, जिसमें डेटर इज अ कैबल एक बार कंपनी एंड पब्लिक इज अ क्रेडिटर एंड पब्लिक इज अ कैबल एक बार जो से क्रेडिटर, दिस इज कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सर अगर बैंक एफडी हमें अलाउड है तो हम कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्यों करें जबरदस्ती? व्हाई? बैंक एफडी कर सकते हैं ना। तो कुछ कंपैरेटिव्स मैं आपको देना चाहूंगा बैंक एफडी एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के। सबसे पहला कंपैरेटिव जो आपने याद रखना चाहिए, रिटर्न, क्योंकि आप जब भी डिपॉजिट करते हो, पैसे से खेलते हो, तो सबसे पहले डिमांड होती है रिटर्न कितना है। सो बैंक एफडी का रिटर्न इज लोअर 6% तक के। कॉर्पोरेट एफडीज विल गो फॉर हायर रिटर्न्स, हायर मतलब इतना भी हायर नहीं होता, हार्डली 1-2% का फर्क होता है, बट स्टिल 1-2% इज नॉट अ स्मॉल परसेंटेज टू हैव रिस्क फ्री रिटर्न। हालांकि अगर इसके खिलाफ आप रिस्क मुझे पूछो, सर रिस्क कितना है, तो मैं बैंक एफडी में बोलूंगा कि इट इज अ काइंड ऑफ लोअर रिस्क, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इट्स हायर रिस्क, बिकॉज हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। बट वैसे भी अगर मैं बोलूं तो यहां मेरे को लिखने के लिए लोअर रखना पड़ा, पर तुम्हें भी पता है आज के बैंक की हालत क्या है। बैंक में एफडी करो कभी भी डूब सकता है। अरे बोलो हाँ या ना? कितने रुपए कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है,
एसबीआई के 7,000 करोड़ विजय माल्या ने डुबा दिए, नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल के 12,000 करोड़ डुबा दिए, बोलो हाँ या ना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो दीज आर द थिंग्स जो ऑलरेडी आप डूब रही है, तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स व्हाई नॉट। तीसरी चीज कि आपको रिपोर्टिंग के तौर पर क्या मिलता है, तो बैंक एफडी में आपको रिपोर्टिंग के तौर पर सिर्फ एफडी सर्टिफिकेट मिलता है, हालांकि कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको डिपॉजिट्स के तौर पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब चीजें आपको मिलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुन लो। बैंक में आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो उस पैसे का टारगेट क्या है? बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हो उस पैसे का टारगेट क्या है? ठीक है, सो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो मनी मार्केट में ही घूमते रहता है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हो कौन से मार्केट में टारगेट जाता है? मनी मार्केट। बैंक ने लिया, किसी और को लोन दिया, किसी और ने सेकंड लोन दिया, फिर वो घूमते रहता है मनी मार्केट में। लेकिन आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो देते हो वो स्ट्रेट अवे इंडस्ट्री में लगता है। कहां लगता है बोले एक बार, उसे इंडस्ट्री। इससे इंडस्ट्री ग्रोथ होता है। मनी मार्केट ग्रोथ हो या ना हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही वर्कआउट होता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोले एक बार, सुनो सर, इसमें से ज्यादा प्रोविजंस किसके लिए है? मोर कोर्सिव प्रोविजन या मोर रेगुलेशंस किसके लिए है? तो मैं आपको बोलूंगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने भी फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट होल्डर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बना के रखे हैं। बट दी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि इधर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बना के रखे हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना। विच आर फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिट। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि आपको मैं बोलना चाहूंगा, इवन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड 4 times, 4 बार सिक्योर किया जाता है। पहले तो डिपॉजिट के खिलाफ आप चार्ज क्रिएट करो, मतलब असेट मॉर्गेज रखो, दैट इज फर्स्ट सिक्योरिटी। दूसरा सिक्योरिटी होता है डिपॉजिट का, इंश्योरेंस कंपनी को निकाल के रखना पड़ता है कि भाई अगर कभी ये डिपॉजिट डूबा तो ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी। तीसरा, इसका क्रेडिट रेटिंग करवाना होता है अच्छे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, क्रिसिल, केयर, स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स, इकरा, उनिकरा, ये कंपनी ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग दिए बगैर आप डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। चौथा, डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, DRRA, जिसके बेसिस पे ये चीज होती है। पांचवा, आपका जो डिपॉजिट्स है उसको सभी डेट्स में सबसे ज्यादा, मतलब क्रेडिटर्स में भी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में भी सबसे पहला प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स डिपॉजिट को जाता है। सो दीज आर 4 to 5 times सिक्योर्ड कंपेयर्ड टू एनी अदर डेट। बट आप इसको स्टिल एफडी या आरबीआई के रेगुलेशंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो टोटली अलग सेक्टर है और ये टोटली अलग सेक्टर है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बट एज अ कंपेरिजन, कि जो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर मैं एफडी कर सकता हूं बैंक में तो मैं डिपॉजिट्स क्यों रखूं, ये आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है तो ये इसका जवाब है कि क्यों आपने डिपॉजिट्स करना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली। तो मैंने अभी तक चैप्टर को छुआ भी नहीं है, फर्स्ट एंड प्राइमरी डिस्कशन हमने सिर्फ ये किया है कि भाई डिपॉजिट, व्हाट इज डिपॉजिट एंड भाई डिपॉजिट डिफरेंट फ्रॉम लोन। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। चलो इसको लिख के रखो, गो फॉर इट, फास्ट बैठ जाओ। आप होमवर्क वाले नहीं, होमवर्क वाले खड़े रहो, भिखारी लोगो तुम। शेयर सर्टिफिकेट जैसे डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी मिलता है। हो गया क्या? डेटर क्रेडिटर नहीं आता यार तुम्हें? सीरियसली यार, सर आता है सर, वो टाइम पे क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, आप बोल रहे थे जब मैंने हाथ रेस करने के लिए, पहली बार तब घंटा हाथ रेस किया तुमने, 4 लोगों ने हाथ रेस किया था, सिर्फ क्रिएटर पूछा तब। अच्छा, तुम भी थे क्या उसके अंदर? वो 4 लोगों में कितने लोग थे? हाथ रेस करो एक बार, देखो 4 में कितने लोग थे। ना लायक लोग, डेटर क्रिएटर यार, सीरियसली डेटर क्रिएटर। तो डेटर क्रिएटर तो याद कर ले पहले, प्रॉक्सी पे बाद में जाना नालायक। तू लिख पहले, सब नालायक लोग है। शौक लगा मेरे को आज, शौक
रात को वो बुरे सपने में आओगे आप मेरे, आप हमारे रोज आते हो, आज हम आ गए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बेकार लो, वही मेरे को आज डर है कि आएगा करके। तू जब स्ट्रेट जाके बाहर निकलेगा ना तो इसको लेके जाना। डेटर क्रेडिटर नहीं आ रहा था तुमका, डेटर क्रेडिटर सीरियसली यार। मेरे को स्पेलिंग भले ही ना है, मेरे को डेटर क्रेडिटर तो आता है। तुम तो रहने ही दो, अब तुम्हारा ना पता है बेइज्जती भी करने की ये नहीं रही अब तुम्हारी, समझ में आया तुम्हें? मतलब अब तुम्हारी बेइज्जती करूं तो बेइज्जती की बेइज्जती हो जाए। आज जो तुमने किया है ना, इससे तुम्हारी फाइनेंशियल बेइज्जती हो गई है, पता है? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, ऑडिटिंग बेइज्जती, तुम्हारी 3 गोल्डन रूल्स वाली बेइज्जती हो गई है आज। घर जाके जब आईने में चेहरा देखोगे ना, ऐसे मुंह पे ऐसे पॉलिश मार देना, बूट पॉलिश ब्लैक कलर का। नालायक लोग, हो गया नहीं था पहले से ही कम था, रिफ्रेश हो गया वो। सर डेटर क्रिएटर नहीं पता यार तुमको यार। डेटर क्रिएटर कौन से हिसाब से किसके बुक्स में लिखना है? अरे बाप, कौन है नालायक? किसके बुक्स में लिखना है बोले? किसके बुक्स में डेटर क्रिएटर? अरे बाप, अबे किसी के भी बुक्स में लिख ले, डेटर डेटर रहता है, क्रिएटर क्रिएटर रहता है। मां कसम यार, अरे बाप रे बाप, शीए फाउंडेशन, शीए फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट, डेटर क्रिएटर नहीं आता यार तुम्हें। सीरियसली यार, चलो आगे बढ़े, बोलो आया ना, आगे बढ़ते, फोकस करना। तो तुमको बैंक एफडी और फोकस ऑन द बोर्ड, तो तुमको बैंक एफडी और डिपॉजिट्स के बीच का फर्क समझ में आया सबको? बच्चों बोलो हाँ आया ना। ओके, अब कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लीजिए, वातावरण बहुत खराब होने की संभावना है। 30 सेकंड दे रहा हूं, जो करना है कर लो, उसके बाद में मेरे को अगले 15-20 मिनट तक के कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जिसने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया वो सीधा बाहर जाएगा। गाना मैं गाऊंगा नहीं, आई एम राइट नाउ फोकस्ड, वेरी फोकस्ड। तो
डेटर क्रिएटर नहीं आता यार, सीरियसली यार। डेटर क्रिएटर नहीं आता यार। अरे गाइस रेडी, इसके मुंह को कोई पट्टी बांधो और इसको प्लीज पार्सल करो, प्लीज इसको लेके जाओ ना, चार लोग आओ, इसको उठाओ पीछे लेके जाओ जर नालायक। लेट्स गो, स्टार्ट करे, बोलो हाँ है ना। अरे गाइस रेडी, बोलो हाँ है ना। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पूछो क्या। बुक कंपल्सरीली बंद कर दीजिए, कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी, फालतूगिरी किसी ने करने की कोशिश की वो उसको मैं रेज करवा दूंगा। पहली बात, अब जो करने जा रहा हूं वो नॉर्मल सी बात है नहीं। हम पढ़ रहे डिपॉजिट के डेफिनेशन जो है 2 सबसेक्शन 31 में। कौन से सेक्शन में बोले एक बार, 231। और डेफिनेशन इतनी है, याद नहीं करनी है, टेंशन मत लो, याद नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल याद नहीं करने की अपने को, अपने को सिर्फ समझनी है अच्छे से, ठीक है। मैं जो बोलूंगा मेरे हिसाब से चलते रहो, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। जस्ट वेट, पेन पेंसिल नीचे रख दो, मेरे साथ में सिर्फ लगे रहो। याद करना है क्या नहीं, टेंशन मत लो। सो सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76 से डिपॉजिट चैप्टर है, हालांकि डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 31 में है। उन्होंने 231 में बोला है कि डिपॉजिट का मीनिंग क्या है। डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट एज यूजुअल, सस्ते नशे जो हमेशा होता है, कंपनी इज अ कंपनी, डिविडेंड इज अ डिविडेंड, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट, क्या गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, है ना। लेट्स गो, सो दैट्स व्हाई डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट। एडिशनली उन्होंने लोन इंक्लूड किया है, पर लोन कौन सा इंक्लूड किया है। अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया तो वो नहीं है, मतलब बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप ऑथोराइज लोन ले रहे हो तो उसको फाइनेंशियल मार्केट में लोन ही बोला जाता है, उसको डिपॉजिट नहीं बोला जाता। पर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ के अगर आप किसी और से लोन लेते हो, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई या कोई भी दूसरा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका मेन बिजनेस फाइनेंसिंग नहीं है, वो लोगों से अगर आप लोन लेते हो तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो। सो एक बार वापस से बोलो, डिपॉजिट इज अ क्या, बोले एक बार जो से, डिपॉजिट। सब जन बोलेंगे डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट एंड इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म, किसी भी दूसरे फॉर्म में भी होगा डिपॉजिट तो भी उसको डिपॉजिट ही बोला जाएगा। सर ये दूसरा फॉर्म क्या होता है जीवन में, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, मनी के कंपेरेबल्स, ठीक है। मनी के कंपेरेबल्स मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास में किसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, किसी का प्रॉमिसरी नोट है, किसी का चेक है, ठीक है। मनी कंपेरेबल्स इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी रहा तो भी उसको डिपॉजिट कहा जाएगा। नीचे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं। सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी। तो एक बार बोलो वापस से, क्या है, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन अदर देन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एनी अदर फॉर्म, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। पर इसको याद करने का है क्या, नहीं। आगे ये होने के बाद में कंडीशन, कंडीशन है इट शॉल बी टाइम बाउंड। डिपॉजिट हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, इरिडीमेबल डिपॉजिट नाम का कंसेप्ट नहीं निकलता। अब इन्होंने जब बोला टाइम बाउंड होना चाहिए तो मैंने पूछा कितना टाइम, मतलब क्या। तो इन्होंने कोई डिपॉजिट का समय ही नहीं दिया है। अब एक्चुअली डिपॉजिट्स के लिए तुमने 11 ट्वेल्थ में जैसे भाई ने बोला 36 मंथ्स का डिपॉजिट, उसके प्रोविजन डिफरेंट है। बट मैं ऐसा समझाना चाहूंगा आपको, नॉर्मली 36 मंथ्स तक के डिपॉजिट रहता है, पर अगर वो नहीं रहा तो मैक्सिमम लिमिट एज ए प्रूडेंशियल हम क्या गिन सकते हैं, तो हम 20 इयर्स तक गिन सकते हैं, क्योंकि हमने डिबेंचर भी 20 ईयर रिडीमेबल देखे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी 20 ईयर रिडीमेबल देखे हैं, बोलो हाँ या ना। एंड डिबेंचर अगर 20 ईयर रिडीमेबल हो सकता है तो डिपॉजिट भी हो सकता है। ये फिलहाल के लिए, ये फिलहाल के लिए, आगे जाके इसका व्यू चेंज हो सकता है। पर सवाल यह है क्या इरिडीमेबल हो सकते हैं, नहीं, ठीक है, इरिडीमेबल हो सकते हैं, नहीं। नीचे रीपेमेंट इन स्पेसिफिक पीरियड होना जरूरी है। तो एक बार वापस से बोलो, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन अदर देन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एनी अदर फॉर्म, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इट मस्ट बी
टाइम बाउंड, कैसा होना चाहिए? टाइम बाउंड. समझ में आया? याद करना है क्या अपने को? नहीं. आगे, इट डज नॉट इंक्लूड, डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होता अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई. ये सबसे वाहियत चीज है कि आरबीआई ने जो अमाउंट बोले वो डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आने चाहिए. कौन से अमाउंट डिपॉजिट में नहीं आने चाहिए? तो पहला, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रांट या डोनेशन मिला है, आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, या आपकी कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, या आपकी कंपनी पोल्ट्री फार्म बना रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना रही है. आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आप महाराष्ट्र में कोई ऐसा बिजनेस करते हो जैसे रोज फार्मिंग, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 75% तक सब्सिडी मिलता है. ऐसे कुछ बिजनेस है एग्रीकल्चर के जिसमें 75% तक के सब्सिडी, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का, गवर्नमेंट तुमको 75 लाख वापस देगा. समझ में आ रहा है सबको? इतना सब्सिडी आपको मिल सकता है. समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने ऐसा आपको कोई ग्रांट दिया, डिपॉजिट दिया पोल्ट्री फार्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ग्रांट्स और सब्सिडीज अवेलेबल है. अब वो क्लेम वेम करने में काफी सारी मशक्कत करनी पड़ती है, दैट इज डिफरेंट, बट मिलते हैं, ठीक है. सो अगर ग्रांट या डोनेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव हुआ, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हम उसको डिपॉजिट बोलेंगे क्या? नहीं. जोर से बोलो, बोलेंगे क्या? नहीं. ये नहीं बोलना, ये किसने बोला है? आरबीआई. जोर से बोलो, किसने बोला है? आरबीआई. दूसरा, अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट से अगर लोन ले रहे हो, या फॉरेन बैंक से अगर लोन ले रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट या बैंक से अगर आपको लोन आया, ठीक है, अब इंडिया के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे ही बैन है, तो फॉरेन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बैन है, और फॉरेन गवर्नमेंट भी बैन है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी बैन है. मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, इंडियन बैंक, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब लोगों से कुछ भी आए, नॉर्मली हम उसको डिपॉजिट के अंदर गिनते नहीं है, ठीक है. एक बार वापस से बोलो, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट एंड इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मस्ट बी टाइम बाउंड. आरबीआई के हिसाब से दो चीजें अभी तक नहीं आती, कौन सी? गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन गवर्नमेंट के ग्रांट्स डोनेशन, फॉरेन बैंक के लोन. समझ में आ रहा है? याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं याद करना. आगे, पॉइंट नंबर 3, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर आरबीआई. ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया अभी, बोलो हाँ या ना? तो वो डिपॉजिट में वैसे ही नहीं आता, तो ये याद है हमको जीवन में, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट वाला, अगला भी, लोन फ्रॉम पीएफआई. पीएफआई मतलब एलआईसी से लोन लिया, यूटीआई से लोन लिया, आईएफएससी से लोन लिया, आईएफसीआई से लोन लिया. मैंने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन अभी तक आपको नहीं बताई है, आगे ऑडिट चैप्टर में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल आप पीएफआई 3 याद रख लो. कौन कौन? एलआईसी, यूटीआई. यूटीआई पता है ना? पहले एक यूटीआई बैंक था, बाद में वो एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हो गया, पता है? नहीं है? यूटीआई बैंक था, वो बाद में एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हो गया. आपको एक्सिस बैंक क्यों आया नहीं पता? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बैंक था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स थे जो बाद में एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हो गए, नाम रखा एक्सिस बैंक, ठीक है. तो जिसमें यूटीआई था वो एक्सिस बन गया. सो अगर किसी का नाम स्तुति है या श्रुति है, उसको हम श्रेक्सिस. समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे बहुत अच्छा जोक था, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है. ये देखो, तुम जब तुम्हें समझाता हो तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं. ये देखो, किसी का नाम अगर एस एच आर यू टी आई है, तो यूटीआई निकालेंगे ना अपन, तो यूटीआई काय में कन्वर्ट हो गया एक्सिस, तो नाम क्या हो गया? श्रेक्सिस. समझ में आया? क्या गलत बोला यार मैंने? हाँ है ना? किसी का नाम स्तुति है, STUTI, क्या नाम है? STUTI, तो यूटीआई कन्वर्टेड इनटू काय में, बोले एक बार जो से एक्सिस, तो नाम क्या हो गया? स्टेक्सिस. समझ में आ रहा है सबको? तो आज से अगर कोई तुम्हारा दोस्त, बहन, सिस्टर कोई भी होगी जिसका नाम स्तुति या श्रुति होगा, उसको स्तुति श्रुति नहीं बोलने का, क्या बोलने का? श्रेक्सिस एंड स्टेक्सिस. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो, अरे मैडम, अरे मेरे को एक बार रिवाइज करके दो, फास्ट जल्दी, क्या बोलो? हाँ, अबे वो जोक रिवाइज कर रही है, उसके बाजू वाला उसको क्या, उसके बाजू वाला क्या बोलता? अरे डेफिनेशन नहीं है, जोक रिवाइज करना है. वो शुरू हुआ वही जोक रिवाइज करना. अबे तू पागल है क्या जीवन में? फोकस आ जा,
ये ठीक है, चलो छोड़ो, जो याद नहीं करना है उसको एक बार बताओ क्या याद नहीं करना है अपने को। ए, चंगू मंगू पता नहीं किधर, तो भी हाथ डाल के बैठा है, झुक रहा है। लेट्स गो, सो एक बार वापस से, सब जन बहुत, क्या क्या बोला उसके पास नहीं, इसलिए हाथ डाल के फोकस। सो सब जन, डिपॉजिट इज अ फोकस, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट और लोन, एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मस्ट बी टाइम बाउंड, डज नॉट इंक्लूड एज पर आरबीआई। क्या क्या नहीं आता, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन गवर्नमेंट के ग्रांट डोनेशन, फॉरेन बैंक का लोन, अभी का बैंक का लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, पीएफआई का लोन, तो एलआईसी, यूटीआई, आईएफसीआई, इनसे आने वाले लोन को आप डिपॉजिट बोलोगे क्या? नहीं, यूटीआई काई में कन्वर्ट हो गया है, समझ में आया? तो श्रुति और स्तुति इज श्रेक्सिस एंड टैक्स, याद रखना प्लीज। आगे उसके बाद में अगर किसी ने इंटर कॉर्पोरेट लोन दिया है, कौन सा लोन दिया है, इंटर कॉर्पोरेट, टीसीएस ने इंफोसिस को दिया, इंफोसिस ने लिया इंटर कॉर्पोरेट, तो इसको भी अब आप सोचो, मतलब पहले इन्होंने बोला है डिपॉजिट में सब आता है और अब एक एक चीज सब निकालते जा रहे हैं, मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन जो हमने पहले गिना था वो भी निकालना पड़ रहा है। सो नाउ इंटर कॉर्पोरेट लोन को भी हम डिपॉजिट नहीं मानते, इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186 से गवर्न होता है, कैसे गवर्न होता है, 186। तो अभी हमने तीन लोन ही पढ़े, मतलब बैंक की तरफ से आने वाला लोन, पीएफआई की तरफ से आने वाला लोन एंड इंटर कॉर्पोरेट लोन, तीन लोन हमने पढ़ लिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? पहले तो गवर्नमेंट वाले, बात की तीन लोन वाले, ऐसे ऐसे बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है? पहले तो गवर्नमेंट वाले याद रखने हैं क्या? नहीं, बात की तीन लोन वाले याद रखने हैं क्या? नहीं, कोई याद नहीं रखेगा। आगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन कमर्शियल पेपर्स और इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज बिल डिस्काउंटिंग, समझो तुम्हारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तुमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया, बैंक ने डिस्काउंट करके तुमको पैसा दिया, कमीशन भी डिस्काउंट करते हैं, बिल डिस्काउंट का एंट्री किया होगा, बोलो हाँ या ना? क्या वो लोन है? नहीं, वो तो आप डिस्काउंट करके कैश रिमिटेंस लिए हो, बोलो हाँ या ना? तो क्या इसको हम डिपॉजिट बोलेंगे क्या, बोले एक बार उसे? नहीं, तो एक बार बोल के बताओ, ठीक है? क्या याद नहीं करना है हमको? डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट एंड इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मस्ट बी टाइम बाउंड डज नॉट इंक्लूड एज पर आरबीआई। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के ग्रांट्स एंड लोन, फॉरेन बैंक के ग्रांट्स एंड लोन, ठीक है? फिर तीन लोन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई, कौन, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, और अभी क्या देखा हमने, बिल डिस्काउंटिंग, क्लियर है सब? सो दो गवर्नमेंट, तीन लोन एंड बिल डिस्काउंटिंग, याद करना है क्या? बिल्कुल याद नहीं करने का। आगे, ये होने के बाद में अब 7, 9 और 9 है, ये तीन पॉइंट्स को मैं एक साथ कवर कर रहा हूं, 7, 9 और 9 है, एक्चुअली तुम्हारे डिजिट नंबर है तुम्हारे नोट्स के, खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। 7, 9 और 9 है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, तुमने आईपीओ एफपीओ किया, शेयर और डिबेंचर इशू किए, शेयर इशू किए, उसके खिलाफ अगर पैसा आया तो क्या ये डिपॉजिट है? कह रहे ये तो कैपिटल है ना भाई, बोलो हाँ या ना? सो आईपीओ एफपीओ याद रखो, फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और देयर रिलेटिव, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से डिक्लेयर दैट लोन फ्रॉम द अदर कंपनी इज नॉट फॉरवर्डेड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके रिलेटिव अगर आपको लोन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले एक बार उसे लोन दे रहे हैं कंपनी को, नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर लोन देते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी में फंड्स की जरूरत होती है, तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर लोन देते हैं, उनके रिलेटिव लोन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने प्राइवेट कंपनी खोली और तुम्हारे प्राइवेट कंपनी में तुम्हारे डैड ने लोन दिया, क्या उसको डिपॉजिट बोलेंगे जीवन में? नहीं, समझ में आ रहा है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड योर कैबिनेट, देयर कैबिनेट बाय उसे रिलेटिव, तो पहला वाला क्या है बोले एक बार, 7, 9 और 9 है, क्या है बोले एक बार, आईपीओ एफपीओ लोन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देयर, क्या है बोले एक बार उसे रिलेटिव, जोर से बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देयर क्या है रिलेटिव, आप इसमें प्रमोटर्स भी ले सकते हो, कौन ले सकते हो बोले एक बार उसे, प्रमोटर, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल एकत्वम ने लोन एडीजेड आरजे वीजे और डीके, इस हिसाब से हमने दिया किसको बोले एक बार उसे, वाव क्लास को, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो ऐसे सिचुएशन में क्या इसको लोन माना जाएगा बोले एक बार उसे, नहीं, इसको इंक्लूड किया नहीं जाएगा। अगला वाला, नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉइज, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इसको टैग कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ऐसे नो, तो अगर आप एम्प्लॉइज से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए, व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि तुम्हारा एम्प्लॉई जब किसी क्रूशियल फाइनेंशियल वर्क के लिए आता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने आपके कंपनी में आपने एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया जिसके हाथ में कैश हैंडलिंग है,
मुझे एक बात बताओ, एम्बेजलमेंट और फ्रॉड हो सकता है? ठीक है, नॉर्मली आपको शायद नहीं पता, तो जो ज्वेलरी शॉप वाले रहते हैं वो नॉर्मली जब एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं हाई सैलरी पे, तो दे टेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने की सैलरी एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखते हैं, या तो फिर 6 महीने की सैलरी में से हाफ ऑफ सैलरी कट कट करके वो 3 महीने की सैलरी हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखते हैं कि कभी अगर कुछ फ्रॉड हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जा सके। तो जहां जॉब नेचर बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और एम्प्लॉय के ऊपर आपका अब तक भरोसा नहीं आया है, तो आप उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हो। तो ये डायरेक्टर जैसा है, डायरेक्टर एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो डायरेक्टर एम्प्लॉयज आप ग्रुप कर सकते हो। समझ में आया? एक बार वापस बोलो, ठीक है सब जन, क्या याद नहीं करना है बोलो, बिल्कुल याद नहीं करने का। करने का है क्या? नहीं। डिपॉजिट इज अ सेक्शन कौन सा है बोलो एक बार, याद करने का है क्या? नहीं। सेक्शन कौन सा है? 231। इसको याद करने का है क्या अपने को? बिल्कुल कोई याद नहीं करेगा। क्या याद नहीं करने का है? पर वो तो याद रहना चाहिए। बोलो, डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कैसा होना चाहिए? टाइम बाउंड, बट डज नॉट इंक्लूड एज पर आरबीआई। ऊपर 2 गवर्नमेंट 3 लोन और सबसे आखिरी बिल डिस्काउंटिंग। बोलो हाँ या ना? 2 गवर्नमेंट में क्या क्या है? इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ग्रांट, डोनेशन, लोन। बोलो हाँ या ना? फिर 3 लोन के अंदर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई एंड इंटर कॉर्पोरेट लोन। समझ में आ रहा है पक्का? एंड में बिल डिस्काउंटिंग किया तो क्या डिपॉजिट माना जाएगा? नहीं। नीचे आ जाओ, नीचे आते सी आईपीओ, एफपीओ, फिर 2 एम्प्लॉइज, एक डायरेक्टर एक एम्प्लॉय। डायरेक्टर से लिया लोन और रिलेटिव से लिया लोन, एम्प्लॉय से लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट। याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई याद नहीं करेगा इसको। आगे ये होने के बाद नेक्स्ट वाला, नॉट अ इंटरेस्ट अमाउंट, सो नॉन इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड इंटरेस्ट ऑफ सम पर्सन। ठीक है, जैसे ग्रेटुटी और बोनस फॉर एग्जांपल। बहुत अच्छा ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, हैव यू एवर हर्ड, हाँ, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। मैंने उस वक्त आपको एक चीज बोली थी, जिन कंपनीज में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं उनको ग्रेटुटी देना पड़ता है। अब ग्रेटुटी ये रिटायरमेंट पे दिया जाता है। कब दिया जाता है? रिटायरमेंट। तो तुम अकाउंटिंग तो आज से कर रहे हो ना, फंड तो आज से जमा कर रहे हो ना, मतलब जो 20 साल बाद रिटायर होने वाला उसका ग्रेटुटी तुम आज से जमा करना शुरू कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी यस सर नो? ओके, शुरू भी नहीं किया था कैमरा, डोंट वरी। So, मुझे एक बात बताओ, ग्रेटुटी और पीएफ तुम आज से जमा कर रहे हो? बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो ऐसा ना। अब एम्प्लॉय का पीएफ और ग्रेटुटी तुमने जमा करके रखी, जो तुम एम्प्लॉय को उनके रिटायरमेंट पे देने वाले हो, ठीक है? एम्प्लॉय का साल भर का बोनस हम दिवाली पे देते हैं। बोलो हाँ या ना? तो दिवाली के 1 महीना जस्ट पहले अगर आपने एम्प्लॉयज के बोनस जमा करके रखे है, क्या कर जमा करके रखे है? बोनस। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, ऐसे सिचुएशन में क्या उसको डिपॉजिट बोलेंगे क्या? अरे तो ऐसा किसी का भी ट्रस्ट में कोई पैसा नॉन इंटरेस्ट वाला आपने होल्ड करके रखा है, ग्रेटुटी या बोनस, तो इसको डिपॉजिट बोला जाएगा नहीं। एम्प्लॉय में तीसरी चीज ऐड हो गई, डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ही तीसरी चीज है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना? ग्रुप करते रहो छोटे 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 छोटे। मैंने आपको याद करने का सिंगल तरीका दिया है, ठीक है, कि भैया नहीं याद नहीं करना है, मैं तरीका याद करना यह बोल रहा हूं कि भैया सबसे पहले ग्रुप, ग्रुप को डिवाइड करो। बच्चे ही बच्चे, खानदान। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, क्या याद नहीं करना है? अच्छा, हमने अभी एम्प्लॉइज का एक चीज ऐड किया, ठीक है, क्या याद नहीं करना है मुझे बताओ? बिल्कुल कोई याद नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, खास करके जो नींद आ रही थी, जो 2 लोगों को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, ठीक है? बोलो क्या है? डिपॉजिट मींस अ डिपॉजिट एंड इंक्लूड। बोलो बोलो, मैं इस डेफिनेशन में सबको बोलना चाहूंगा, तुमको अगर बहुत अच्छे से इसको याद नहीं करना है तो खुद के सेंसेस इन्वॉल्व करो, बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं रहेगा, ठीक है? लास्ट बेंच, तूने होमवर्क नहीं किया भिखारी, तू जाके बैठ गया वहां पे पिलर के साके सामने, नालायक, चिल बैठ गया वो आराम से एकदम। आगे फोकस। सो डिपॉजिट का अगर तुमको बिल्कुल याद नहीं करना है, याद करना है कि मुझे बताओ, किसी को नहीं करना है, तो सभी सेंसेस के साथ में इसको बोल लो, साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है? डिपॉजिट मींस डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन एनी अदर सिक्योर्ड एंड टाइम बाउंड बट डज नॉट इंक्लूड एज पर आरबीआई। पॉइंट नंबर 1, लोन पहले 2 बैंक्स, दो पहले वो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन ग्रांट, फॉरेन डोनेशन, फॉरेन बैंक्स भी है उसमें, फिर 3 लोन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई, इंटर कॉर्पोरेट लोन, सबसे आखिरी में बिल डिस्काउंटिंग।
क्लियर है, नीचे आ जाओ, आईपीओ एफपीओ तीन एम्प्लॉइज में पहला डायरेक्टर रिलेटिव्स का लोन, दूसरा एम्प्लॉइज का सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरा एम्प्लॉय ड्यूज जो सिक्योर नॉन इंटरेस्ट फ्री वाले अपन ने डिपॉजिट लेके रखे है। बोलो हाँ, याद करना है क्या? कोई याद नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें जो छुट्टी फेंक दो, ऐसे ऐसे छुट्टी फेंक दो। कौन सी? अमाउंट फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस में जो छोटे मोटे क्रेडिट्स क्रिएट होते हैं, ये तीसरा तो तुम्हारे पास टॉयलेट है, ऐसे कौन से छोटे मोटे क्रेडिट है जो तुम ऑर्डिनरी बिजनेस, क्रेडिट पे गुड्स ले लिए, क्रेडिट पे गुड्स दे दिए, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, छोटे छोटे मोटे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलते रहता है, ठीक है, उसके एडवांस फॉर द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, तुम तुम्हारी बिल्डिंग बेच रहे हो बदले में एडवांस है क्या, डिपॉजिट माना जाएगा क्या? अरे बोलो ना, आया ना, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द गुड्स एंड द सर्विसेज का डिपॉजिट माना जाएगा क्या? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस, ठीक है। समझो तुमने तुम्हारी प्रॉपर्टी रेंटल पे दे दी, बदले में आया रेंट, और रेंट के साथ आई पगड़ी, याद है पगड़ी, ड्रेन के साथ पकड़ी देते ना डिपॉजिट, बोला हाँ ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट टीम, मैंने कहा हाँ ना, क्या डिपॉजिट मानेंगे क्या? नहीं, एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, रोड और ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के लिए डिपॉजिट आया है तुम्हारे पास में, गवर्नमेंट ने दिया है। नेक्स्ट, एडवांस फॉर द गारंटी और द वारंटी, नॉर्मली गारंटी वारंटी के लिए डिपॉजिट मिलते हैं आपको, आपने सुना है कभी? ये नहीं सुना है? एप्पल आईफोन परचेस किया, आईफोन परचेस कर कभी किया जीवन में? ठीक है, अमीर लोग करते, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, लगवा, अरे मेरा नहीं है रे वो, ठीक है, मेरा नहीं, वो ऑफिस का फोन है, मेरे को सिर्फ ऐसे, उस दिन क्या कर रहा था मैं, इनका ऋषभ सर का आईफोन साफ कर रहा था, तो उस वक्त ऐसा लाइट ऐसे फोन पे गिरा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऋषभ सर के चेहरे पे गिरा, पहले तो उनका चेहरा इतना चमकता उसमें, वो पूरा निखर ही गया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, तो इतने खुश हो गए, बोले तेरे लिए ये ले, बोले आईफोन, ऐसे फेंक के मारा मेरे को, मैं गरीब आदमी मिले क्या, क्या करता है, बोले हाँ है ना, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर कवर साफ कर रहा, तो कवर फेंक के मारा, वो भी लेके आ गया, हाँ है ना, ये सुनो, तो मेरे साथ ऐसे होते रहता है, ठीक है। सो लाइफ में याद रखना, सीए बनने का टारगेट रखो ऑफिस बॉय, ठीक है, लचुआ, हाँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो अगर तुम आईफोन लोगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगे, तो लगेज एप्पल वाले तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे 10,000 रुपए ज्यादा दे दो, 2 साल की गारंटी वारंटी करवा लो, फिर तुम्हारे मोबाइल को स्क्रैच भी आएगा तो हम रिप्लेस कर देंगे। सुना है ऐसा? वो जो तुम 10,000 होता है, डबल वारंटी मिलता है 10-14-15 हज़ार में, ठीक है। अपने जैसे गरीबों को नहीं पता रहता, मेरे को भी फर्स्ट टाइम ही पता चला, ठीक है, तुम्हारे जैसे भिखारियों को तो बिल्कुल पता नहीं था, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में 10,000 तुम अगर ज्यादा पे करो, कितना बोले एक बार, 10,000, तो तुमको एक्सटेंडेड वारंटी मिलता है, बोलो हाँ ना। अब ये 10,000 जो तुमने एप्पल को पे किया, ये डिपॉजिट है क्या? ये डिपॉजिट है क्या? वही बोला है, एडवांसेस फॉर द गारंटी एंड वारंटी, क्लियर है। तो नॉर्मल बिजनेस वाली चीज है, एडवांस फॉर द अथॉरिटी, एडवांस फॉर द अथॉरिटी, जैसे आरबीआई बोलता है बैंकिंग बिजनेस खोलना है, तो आपने खुद के कैपिटल में से कुछ पैसा एज अ डिपॉजिट रखना चाहिए। अगर आपको बैंकिंग बिजनेस, आपको तो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस खोलना है ना, इंश्योरेंस बिजनेस, तो ओन फंड में से 100 करोड़ लगते हैं, बताया था मैंने इसको, अब क्या इसको डिपॉजिट बोलेंगे क्या? नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड कैबलों से मैगजीन, तुमने इंस्टीट्यूट का न्यूज लेटर सब्सक्राइब करके रखा है, उसके लिए तुमने पहले ही पैसे पे कर दिए, क्या डिपॉजिट बोलेंगे क्या रे? नहीं, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस की बोलते रहो, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, बोलो बोलो बोलो, एडवांस अगेंस्ट गुड, एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज, एडवांस अगेंस्ट इमोबल प्रॉपर्टी, एडवांस अगेंस्ट गारंटी वारंटी, एडवांस अगेंस्ट, समझ में आ रहा है? ऐसे ऑर्डिनरी कोर्सेज के 5-6 लगा देने के, इसमें 2-3 इधर उधर भी हो गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैसे भी हम याद कर रहे हैं क्या? याद नहीं करेंगे, 2-3 इधर उधर होंगे ना, आया ना, क्या याद नहीं किया अभी तक के हमने? डिपॉजिट मीन्स अ डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, शुड बी टाइम बाउंड, बट एज पर आरबीआई डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है? 2 बैंक 3 लोन, 2 गवर्नमेंट 3 लोन, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन गवर्नमेंट डोनेशन, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI, इंटर कॉर्पोरेट लोन, बिल डिस्काउंटिंग, नीचे आ जाओ, आईपीओ एफपीओ, तीन एम्प्लॉय, डायरेक्टर रिलेटिव, रिलेटिव का सिक्योरिटी डिपॉजिट, काय लगला? अच्छा, ऐसे बीच में नहीं उठने का कभी जीवन, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, ये याद नहीं कर रहे थे, अब इनको गलती से याद हो गया तो याद मत करना, बिल्कुल कोई याद नहीं करेगा, ठीक है, फोकस ऑन टास्क का, लेट्स गो। सो आईपीओ और एफपीओ, तीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में कौन है? डायरेक्टर रिलेटिव का लोन, दूसरा सिक्योर डिपॉजिट, तुम बोलो 9 लाख लोग, तुम बोलो, तू इकड़ तिकड़े बकता है केमा, केमा बोल चले भिखारी। सो डायरेक्टर रिलेटिव का लोन, दूसरा एम्प्लॉय का सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरा इंटरेस्ट फ्री ड्यूज, और अभी शुरू हो जाओ, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, एडवांस अगेंस्ट सर्विस, एडवांस अगेंस्ट इमोबल प्रॉपर्टी, सब जन एक्शन करेंगे, सब जन एक्शन करेंगे,
एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एडवांस अगेंस्ट गारंटी, वारंटी, एडवांस अगेंस्ट परफॉर्मेंस, दो चार इधर उधर चल जाएगा क्या? चल जाए, क्योंकि अपन याद कर रहे हैं क्या? नहीं, अब जिसने याद नहीं किया दो चार इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला वाला, नेक्स्ट वाला, 14 नंबर का, ज्यादा चीज, अरे याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि, निधि, अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी। मैंने आपको निधि कंपनी का कंसेप्ट बोला है, बोलो हाँ है ना? निधि कंपनी में मेंबर पैसा डालते हैं, याद है? तो क्या निधि कंपनी उसको डिपॉजिट बोलेगा क्या रे? बिल्कुल नहीं। ऐसे का ऐसे मतलब क्या संबंध आता? तो नीचे मैंने लिखा है, निधि को अगर मेंबर पैसा दे, डिपॉजिट अमाउंट इन अ कंपनी, नालायक चुप, अमाउंट इन अ कंपनी मंथली, नीडी मेंबर कैन टेक अ लोन फ्रॉम द सेम, तो ऐसे कंपनी को हम क्या कहते? बोले एक बार, उसे निधि कंपनी। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? नेक्स्ट वाला 15, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय चीट फंड। इसको तो खोल के, मतलब सॉरी, इसको तो अच्छे से पढ़ा है ना अपन ने? बोलो हाँ है ना? चीट फंड दो तीन जगह पे पढ़ लिया, निधि कंपनी का पढ़ लिया था, फेमा के अंदर हमने चीट फंड पढ़ा है, प्रोहिबिटेड कौन से ट्रांजेक्शन? कौन से ट्रांजेक्शन? कौन से ट्रांजेक्शन? पांच बार आज आने वाला है या पांच बार? कौन से ट्रांजेक्शन? कौन से? कैट वाले, कैपिटल अकाउंट ना? हाँ ना, कैपिटल अकाउंट ना? कैपिटल अकाउंट में कौन से? प्रोहिबिटेड में। हा, शेड्यूल कौन सा? थ्री। रूल का नाम बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। ईयर कौन सा बोलो? 2000। पांच ट्रांजैक्शन का नाम बोलो मेरे को फटाफट फटाफट, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है फटाफट बोलो मेरे को तुरंत। सो कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है? चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, टीडीआर। बोलो याद है सबको? कोई बात नहीं, ये भी याद नहीं करना है अपने को। हाँ, एक बार वापस से बोलो, क्या क्या याद नहीं करने का अपने को? द अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी एंड सब्सक्रिप्शन बाय वे ऑफ, क्या बोले एक बार उसे? चिट फंड, फंदे, पहले डेस्क के ऊपर बैठ के भिखारी। आगे लेट्स गो। अच्छा, क्या याद नहीं करना है? निधि कंपनी और चिट फंड का सब्सक्रिप्शन याद करना है क्या? नहीं, क्या याद नहीं कर? बिल्कुल कुछ याद नहीं करेंगे आज अपन। कौन पागल, कौन कहता है याद करेगा? जो जो याद करेगा, हाँ अंडी मैं, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ अरे अरे आई मीन टू से, हाँ सब जन क्या बोलते हैं? डिपॉजिट मीन सेक्शन नंबर बोलो, टू सब सेक्शन कौन सा? 31। डिपॉजिट मीन्स है डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मस्ट बी टाइम बाउंड। आधे नशे में चल रही है डेफिनेशन जीवन के अंदर, मैडम जागो लाइफ में, ठीक है? मस्ट बी क्या बोले एक बार? टाइम बाउंड, बट डज नॉट इंक्लूड एज पर आरबीआई, दो ग्रांट तीन लोन। दो ग्रांट में इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट, इंडियन गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन गवर्नमेंट और बैंक लोन, तीन लोन्स के अंदर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंटेंट पे ध्यान दो, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI इंटर कॉर्पोरेट लोन, बिल डिस्काउंटिंग, समझ में आ रहा है? फिर नीचे IPO FPO, तीन एम्प्लॉइज, डायरेक्टर रिलेटिव, एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री अमाउंट, बोलो हाँ है ना? फिर शुरू हो जाओ, एडवांस इमोबल प्रॉपर्टी गारंटी वारंटी श्योरिटी, समझ में आ रहा है सबको? नीचे निधि और दूसरा कौन सा बोले एक बार? चीट, तो याद रखना निधि ने चीट कर लिया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बोले सर नो। सो निधि एंड का बोले एक बार उसे चीट फाइन, समझ में आया पक्का? याद करना है क्या? कोई याद नहीं करेगा ना लाइक, ठीक है लेट्स गो। 16, अमाउंट रिसीव्ड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सुना है कभी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम? सुना है क्या? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ना। समझो अगर मैं म्यूचुअल फंड हूं और मैंने तुमसे पैसा लिया इक्विटी मार्केट में डालने के लिए, तो क्या डिपॉजिट ही कह रहे? यूनिट्स के खिलाफ लिया ना, आईपीओ एफपीओ के जैसा ही है ना भाई, है तो डिपॉजिट बन पाएगा क्या? नहीं, नहीं। सुना नहीं है जीवन के अंदर? तो क्या है? बोलो बोलो साथ साथ में बोलो, म्यूचुअल फंड, सब जन बोलो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, दैट इज अवेलेबल उसे म्यूचुअल फंड। और नेक्स्ट वाला अमाउंट, सो व्हाट
अमाउंट भी है, ये अमाउंट याद करने का है क्या? नहीं, अभी तक के किसी पॉइंट में अमाउंट था क्या? नहीं, तो अपन इसको बिल्कुल याद करेंगे, कोई याद नहीं कर, मैं बता रहा हूं, लेट्स गो। अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी मोर देन 25 लाख बाय नोट शेयर्स रीपेबल विद इन 10 ईयर। एक भी डिटेल याद नहीं करेंगे, क्या याद नहीं करना है वो बोलो मेरे को। बाय स्टार्टअप कंपनी कितने लाख से ज्यादा? 25 लाख। नोट शेयर रीपेबल विद इन 10 ईयर, याद रखना है क्या? नहीं, क्या याद नहीं रखना है? अमाउंट रिसीवेबल बाय स्टार्टअप कंपनी मोर देन 25 लाख, नोट शेयर्स के फॉर्म में रीपेबल कितने साल के अंदर? 10 ईयर। ये बिल्कुल भी याद रखने का नहीं है। कितने साल का याद नहीं रखने का है? 10 ईयर का। कौन से फॉर्म में मिला याद नहीं रखने का? नोट या शेयर। कितना अमाउंट? 25 लाख से ज्यादा, याद रखने का है क्या? नहीं। कंपनी कौन सी वो भी याद नहीं रखने का। कौन सी कंपनी? स्टार्टअप कंपनी। समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो। चलो एक बार वापस से, क्या याद नहीं रखने का है? 2 सबसेक्शन 31 बिल्कुल भी याद रखने का नहीं। डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मस्ट बी टाइम बाउंड एज पर आरबीआई। इंक्लूड नहीं होगा। 2 गवर्नमेंट 3 लोन गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट लोन, फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट लोन, लोन में 3 कौन कौन बोलो? बैंक FI PFI इंटर कॉर्पोरेट लोन बिल डिस्काउंटिंग। नीचे के लाइन में IPO FPO 3 एम्प्लॉइज डायरेक्टर रिलेटिव एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट इनफ्रेस फ्री अमाउंट एडवांस। फिर निधि ने चिट कर दिया। So, निधि कंपनी को जो मेंबरशिप मिला है एंड चिट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, और फिर अभी हमको याद नहीं करना था स्टार्टअप कंपनी 25 लाख से ज्यादा शेयर्स और सिक्योरिटीज के खिलाफ कितने साल में रिपेबल है? 10 साल में रिपेबल है। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड रह गया ना, क्योंकि हमने याद ही नहीं किया था तो याद कैसे रहेगा अपने को, तो म्यूचुअल फंड। ठीक है, फिर आखिरी 18 द अमाउंट रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड मतलब कौन? स्टार्टअप कंपनीज को जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं, जैसे शार्क टैंक वाले। कौन बोले एक बार शार्क? तो इसको क्या बोलने का? शार्क टैंक। रिट्स तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है ना, पर हम जो याद किए हैं रिट्स वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में याद रखने का। इधर याद रखने का है क्या? कोई याद नहीं रखेगा रिट्स विट्स। ठीक है, यहां बोलेंगे तो भी याद नहीं रखने का रिट्स। और क्या याद नहीं रखने का है? वेंचर कैपिटल फंड शार्क टैंक वाला। क्लियर है सब? सबको बोला हाँ या ना। तो एक बार वापस से बोल के देखते हैं अपन ने, क्या है, क्या याद नहीं करने का है अपने को? 2 सबसेक्शन 31 याद करने का नहीं। डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट याद करने का नहीं। इंक्लूड्स लोन तो बिल्कुल भी याद करने का नहीं। इधर इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड याद करने का? टाइम बाउंड तो बिल्कुल भी याद करने का नहीं। एंड डज नॉट इंक्लूड बाय आरबीआई का तो कोई संबंध ही पैदा नहीं होता। उसके अंदर 2 क्या है? गवर्नमेंट। 3 क्या है? लोन। गवर्नमेंट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ग्रांट, लोन। लोन के अंदर क्या है? 3 बैंक FI PFI इंटर कॉर्पोरेट याद करना है क्या? बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंट के नीचे IPO FPO 3 एम्प्लॉय डायरेक्टर रिलेटिव एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री अमाउंट। बोलो हाँ या ना। फिर शुरू होता है एडवांस एडवांस अगेंस्ट मोड प्रॉपर्टी गारंटी श्योरिटी। बोलो हाँ या ना। फिर किसने चिट कर दिया? तो निधि कंपनी का कंट्रीब्यूशन, चिट फंड का कंट्रीब्यूशन। बोला हाँ ना। बीच में हम भूल गए थे क्योंकि हमको याद ही नहीं था म्यूचुअल फंड। फिर जो याद नहीं करना था टेक्निकल वाला, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप मोर देन 25 लाख शेयर और डिस के खिलाफ और कितने साल में रिपेबल है? 10 साल। आखिरी वाला तो हम बिल्कुल याद नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके अंदर रिट्स है एंड साथ साथ में क्या है उसके अंदर? शार्क टैंक वेंचर कैपिटल फंड। ये 231 के डिपॉजिट के डेफिनेशन हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। और क्या बड़ी बात है, याद है किसी को? अपने को डिपॉजिट के डेफिनेशन याद नहीं है। बात खत्म। समझ में आया पक्का? हाँ है ना। जोर से बोलो ये सुनो। याद का आइडिया क्लियर है पक्का? लिखना तो है, याद नहीं है तो लिखना तो पड़ेगा ना। एक काम करो, जो तुमने अभी याद नहीं किया ना उसको और भूलने की कोशिश करो अगले 10-15 मिनट, और जब पूरे भूल जाओ तो बुक के अंदर खुद होके लिखना इसको। कॉपी तुम्हें करने देता नहीं ना, व्हाट आई डू, व्हाट आई कैन डू, कॉपी तुम्हें करने दे नहीं सकता ना। सो यू हैव यू नो 10 मिनट्स एंड देन राइट दिस रेफरेंस इन डाउन इन योर पॉक। ठीक है, इधर जो लाशें बिछ रही है आग लगा दूंगा मैं, याद रखना। ठीक है, आगे बिल्कुल भी याद करने का है क्या? ना, कोई याद नहीं करेगा। गलती से याद हो गया तो इसलिए 10 मिनट दे रहा हूं पूरा भूलने के लिए।
ठीक है, सब कुछ भूल जाए एकदम, और फिर बाद में चार्ट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या भूल गए हम। ये भी पता होना चाहिए ना कि भूलना क्या है करके। ये जगह भी भूलना है ना, फोटो खींच लो सब जन, पहले भूलने के फोटो खींच लो, ये याद नहीं रखना, इसके फोटो खींच लो। लाइव स्ट्रीम में किसी को याद नहीं रहा? लाइव स्ट्रीम में सब सब भूल गया ना, कंफर्म बोलो मेरे को एक बार। अभी क्या जिंदगी में क्या उसका डेकोरेशन करके फिल्टर लगा के फोटो खींचना है तुमको लाइफ में? इसका खींच लो एक साइड का पहले। गलती से अभी 10 मिनट भूलने के लिए दे रहा हूं ना, मेरे को मालूम है गलती से कुछ लोगों को याद हो गया होगा, तो 10 मिनट भूलने के। दिख नहीं रहा, ये ले झूम, ये ले झूम, कुछ लोगों को झूम करके देखने की आदत होती है, इट्स ओके। बहुत बढ़िया, लाइव स्ट्रीम में किसी को याद नहीं हुआ, शानदार, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये वाला हो गया, ये वाला फोटो खींच लो। क्या ग्रुप पे डालो, तुम तुम्हारे फोटो खींचो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे को आ 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 चलो डन एवरीबॉडी। ओके, इसको बिल्कुल भी याद करने का है क्या? नहीं, अगले 10 मिनट पूरे भूलने में लगाओ, पूरा भूलना है कंपल्सरी, ठीक है? उसके नीचे वो रीड्स का मैंने मीनिंग लिखा है, वो काम का नहीं है। ये ऊपर के सिर्फ नंबर लिख लो, तुमको ऑलरेडी रीड्स पता है क्या है। अरे नहीं, रेड कलर का काम का वही बोल रहा हूं साक्षी। चलो डन, ओके 10 मिनट्स भूलने के लिए। सर अपन दोनों मिलके चिटफंड शुरू करते, सब गांव का पैसा लेके उड़ जाएंगे, हेरा फेरी की अनुराधा की तरह। बहुत बढ़िया, लक्ष्मी चिटफंड, शरवड़ा ने एवरीबॉडी। आपके पास 10 मिनट है, उसके बाद मैं किसी को भी क्या याद नहीं करना है वो पूछ लूंगा, ठीक है? मैक्सिमम 5 मिनट सब, क्योंकि 5 मिनट तुमने गवा दिए। फोन पे बिठाओ, दे इधर फोन, दे जल्दी ट्रांसफर लेके ले, फोन ले उसका भेज दे। रख दे तेरे पास ही, रख दे नीचे रख दे। हाँ चलो याद करना है, सीरियस नोट पे मैं पूछने वाला हूं, और तुमको लग रहा होगा ये डेफिनेशन में तुमको कॉपी करने के लिए दूंगा, फोटो खींच ली नहीं तुमने, चेंज करूंगा डायग्राम में, ऐसे करेक्शन लाऊंगा। मेरा दिमाग क्यों नहीं चला फोटो नहीं खींचने देने करके? ठीक है ना, तो इतना एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं, करारा जवाब मिलेगा तुमको। जल्दी याद करो प्लीज, बिकॉज फोटो खींच लिया, अब घर जाके याद करोगे एटलीस्ट एक बार। जो याद नहीं करना है मेरे को बोल दो, फटाफट बोल दो, फटाफट बोल दो। डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट इंक्लूड्स लोन इन एनी अदर फॉर्म सिक्योर्ड और लास्ट बेंच बेटा, वो फोन दे दे। विच इज टाइम बाउंड बट डज नॉट इंक्लूड एज पर क्या है, बोले बाजू से आरबीआई पॉइंट नंबर 1। उधर होमवर्क वाले खड़े हो जाओ, भिखारी लोगों
क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? दो ग्रांट्स, गवर्नमेंट वाले दो, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट लोन, फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन गवर्नमेंट लोन, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बिल डिस्काउंटिंग, आईपीओ एफपीओ, तीन रिलेटिव, तीन एम्प्लॉइज, डायरेक्टर रिलेटिव, एम्प्लॉइज, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला भिकारी हो, भिकारी हो, फोन दे दे तू तेरा नालायक, दे तो चल फास्ट फास्ट ट्रांसफर, कभी दो बार पकड़ लिया जीवन में, एक बार बोल दे फिर भी नहीं सुनता, लेट्स गो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? निधि ने चीट कर लिया, तो निधि कंपनी और क्या बोले, एक बार चीट फंड हो गया ना, आईपीओ लास्ट रो में सोया था क्या जिंदगी में? नेक्स्ट वाला म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप कंपनी 25 लाख से ज्यादा, 10 साल में रिफंडेबल, सबसे आखिरी शार्क टैंक, ठीक है। नेक्स्ट वाला रेट्स, तो ये डिपॉजिट में इंक्लूड होता नहीं, और ये याद करने का नहीं, यहाँ आपके डिपॉजिट की डेफिनेशन होती है खाता। समझ में आया पक्का? एवरीबडी यस और नो? अब आप आ जाओ नोट्स के अंदर, होमवर्क में लिखना आप चार्ट, तुमने फोटो खींच के चीटिंग कर लिया मेरे साथ, उल्लू बनाया मेरे को, हाय लगेगी हाय, भिखारी लोग। पेज नंबर 5.4 है, उसके ऊपर सब कुछ रीड कर लो। पूरी डेफिनेशन ही चल रही है, तीन पेजेस सिर्फ डेफिनेशन ही है भाई। ओके, डिपॉजिट की डेफिनेशन कौन से पेजेस पे लिखनी है? 5.8 5.9 पे, ठीक है। वहां पे मैंने दो पेज ब्लैंक करके दिए हैं, वहां आराम से लिखने का, घर पे, ठीक है। घर पे लिखोगे, यहां लिखते हो? यहां मत लिखो, घर पे लिखना। शक, डिपॉजिट की डेफिनेशन याद हो गई बच्चों? बोलो, ठीक है। होमवर्क भी रहेगा ना? होमवर्क क्यों नहीं रहेगा? तो डेफिनेशन यही लिखते हो? आधे घंटे तक तुम लिखते रहोगे, फिर घर पे लिखो यार, प्लीज टाइम पास मत करो। होमवर्क में तीन क्वेश्चन दूंगा सर, पांच 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 पांच, चार 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 चार, चलो ठीक है, दो क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन, हाँ दो, ये एक बोल रहे, ये एक बोल रहे, अब देख लो, ये लोग एक बोल रहे, ये दो क्वेश्चन, हाँ डील, हाँ डील, और डिपॉजिट का चार्ट, ठीक है, चलो फाइन, आगे आगे। क्या ये होमवर्क की बात हुई थी सिर्फ? धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, बात होमवर्क की हुई थी, एनो चौल बे, होमवर्क की बात हुई थी, होमवर्क की ही रहेगी, होमवर्क होम में, क्लास वर्क क्लास में, देयर इज डिफरेंस। चलो स्टार्ट कर दे, ध्यान देना मैडम, ओ मैडम तो सेल्फी निकालना बंद करो, फोन दे दो जल्दी जल्दी, आप ही आप, अरे अब्बा कैसी ओवर एक्टिंग करते हैं ना जीवन में, फोन लेके बैठी है मैडम, फोन दे दो, कौन 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 इधर, फोन वैसे ही चल रहा, कौन कौन दो फोन दो, भिखारी मैडम, चलो स्टार्ट करें, कृपया आ जाए पेज नंबर गाइज 5.10 पे, 5.10 पे आ गए सब लोग, सांगा हो, मैं तुमको एक एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाने जा रहा हूं अभी, चीज इतनी अच्छी है कि तुमको पढ़ के मजा ही आ जाएगा, डिफरेंस है आपके सामने, बोलो हाँ है ना। अब उसके अंदर एक काम करते हो, पहले एक काम, उसके पहले एक काम करो, सेक्शन 73 एंड 76 पहले एक बार रीड करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा,
सेक्शन 73 76 रीड करो, फिर तुमको मजा ही आ जाएगा ये चार्ट ड्रॉ करने में। 73 दिख रहा है लंबा चौड़ा एकदम, 74 मत रीड करना, 76 छोटा सा है हाफ पेज का, तो नियरली डेढ़ पेज आपको रीड करना है, डेढ़ दो पेज। 73 एंड 76 रीड करो। रीड कर लिया सबने, होमवर्क वाले बैठ जाओ।
झिपरा क्या? झिपरा, झिपरा या झिपरी? नहीं क्या? तो एक स्टेज कम कर ले लास्ट स्टेज में से। जम रहा है क्या? नहीं जम रहा तो फ्रिज में रखते। इसका इसका जोक है, मेरी कोई गलती नहीं। इसका इसका हाथ रेस कर बेटा, हाथ रेस कर गाली खाने के लिए। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो फास्ट रीड रीड, फोकस फोकस बैक। बड़ पढ़ पढ़ ओए ओए भिखारी तेरे ऊपर का। 76 रीड करने का है, 73 एंड 76। क्रिस हो जा, क्रिस बोला डोनेशन करने का ही नहीं इधर। वो बेचारा भूखा है, तूने लिया है क्या उसका कर्तव्य पालन? हाँ खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी तेरी है क्या? आया बन जाना, बच्चा बना ले, गोद में उठा ले, बेचारा भूखा है। रेस रेस खड़ा रहे खड़ा रहे भिखारी, खड़ा रहे। चलो रीड करो फर्स्ट, बेचारा भूखा है। रीड हो गया, चलो फिनिश इट लास्ट मिनट। डन, पढ़ो फास्ट प्लीज, सिर्फ 76 रीड करना है और 73। चलो सबका हो गया रीड करना, चलो अब आप आ जाइए, आप आइए सब जन। पेज नंबर है 5.10, 5.10 पे डिफरेंस दिख रहा है। ओके हेडिंग्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप रो वाइज उसको कॉपी कर सकते हो, जो भी रो आएगी उसके हिसाब से। चलो सबसे पहले 73 का नाम क्या है सब जन बोलेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कहते हैं हम इसको, हमारा नाम लिखेंगे हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम, जोर से बोलो किससे? मेंबर। अच्छा ओके सॉरी, वो फ्रीज में गया है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम क्या है बोले एक बार उसे? मेंबर। और 76 का नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम किससे बोले बच्चों? बोले एक बार जो से पब्लिक। कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है सेक्शंस? बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका मेन बिजनेस ही डिपॉजिट लेना देना है, सो बैंकिंग कंपनीज।
एनबीएफसीज बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसी कंपनीज फाइनेंशियल कंपनीज कुछ केस में इंश्योरेंस भी लिखते हैं बट वो डिस्प्यूटेड है इसलिए मैंने लिखूंगा. सेम चीज इधर भी आ जाएगी दैट इज बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल कंपनीज एंड एनबीएफसीज. समझ में आ रहा है सबको? देखो सो बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसीज एंड कौन सा कंपनीज बोले एक बार जैसे फाइनेंशियल लिख लिया सबने. अच्छा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर के लिए कौन सा रिजोल्यूशन है गाइस? कौन सा रिजोल्यूशन है? अब उन्होंने सिर्फ जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन बोला है. एसआर या ओआर बोला है क्या? बोला है जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन पास करो. अब जब एसआर ओआर बोला नहीं है तो कौन सा लेना चाहिए? जब बोला है जनरल मीटिंग का पास करो सिर्फ तो ओआर लेना चाहिए. जब उन्होंने सिर्फ जनरल मीटिंग वर्ड यूज किया है तो सिर्फ ओआर लेना चाहिए. और पब्लिक से एक्सेप्ट करने के लिए जीएम एसआर. ओके आरबीआई अप्रूवल लगेगा क्या? बोलो हाँ है ना? यस इट्स रिक्वायर्ड बोथ केस में. हा ओके कंटेंट्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे? मेंबर को जब आप डिपॉजिट ले रहे हो मेंबर से तो उनके ऑफर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखोगे? फाइनेंशियल पोजीशन साथ में क्रेडिट रेटिंग, दूसरा क्रेडिट रेटिंग, तीसरा सब जन बोलेंगे ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट होल्डर्स, डिपॉजिटर एंड अमाउंट, डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट. बोलो हाँ है ना? मुझे एक बात बताओ पब्लिक के केस में क्या लिखोगे? तो बोला है कंटेंट ऑफ सेक्शन नंबर 26. सेक्शन 26 किसका है? ला 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 26 किसका है? कंटेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. याद है सबको? चलो गुड. सो कंटेंट ऑफ सेक्शन 26 आपको डालना है तो उसमें ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पोजीशन तो आ गया ना. फाइनेंशियल पोजीशन तो कंटेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक आ जाता है ना. बोलो हाँ आया ना? क्रेडिट रेटिंग, ऑडिट रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, तीसरा डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट. ठीक है ओके. क्या फाइलिंग विद द आरओसी करना पड़ेगा दोनों केसेस में? यस यस. डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है. कितना रिजर्व को? जोर से बोलो 20% बोला है पर ये जो अमाउंट है ना ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है. ठीक है तो फिलहाल मैं लिखूंगा 20% पर इसको मैं लिखूंगा बिट डिस्प्यूटेड. आगे जाके मैं इसको क्लियर करवाऊंगा 20% डिस्प्यूटेड. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला चार्जेस ऑन असेट. डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट के मतलब कोई असेट के ऊपर डिपॉजिट का चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ है ना? सो देयर शुड बी सिक्योर्ड असेट, सिक्योर्ड बाय असेट अंडर चार्ज. इधर भी सिक्योर्ड बाय असेट अंडर चार्ज. ठीक है डिपॉजिट इंश्योरेंस लगेगा या नहीं लगेगा? रिक्वायर्ड. इधर भी डिपॉजिट इंश्योरेंस रिक्वायर्ड. ओके टेल मी नाउ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स कैन आई से ऑल कंपनीज? सभी कंपनीज डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ले सकती है लेकिन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी लिखना पड़ेगा. बोलो हाँ है ना? पर सभी पब्लिक कंपनीज को अलाउड है क्या?
नहीं, जिसका नेटवर्थ कितना है 100 करोड़ या उससे ऊपर, बोलो हाँ या ना, और जिसका टर्नओवर कितना है 500 करोड़ के ऊपर, बोलो यस नो। ओके, अदर्स ले सकते हैं क्या? नहीं, तो अदर्स के लिए नॉट अप्लीकेबल, इन दोनों को पब्लिक से लेना अलाउड है। इन दोनों को पब्लिक से लेना अलाउड है। लीव लगा, लिही लगा क्या ला? अच्छा लाल, स्क्रीन बहुत ही ज्यादा छोटी हो जा रही है, इसको थोड़ा सा शेड करते हैं। दिल संभल जरा, मैरी ऑन अ क्रॉस। यार तुमको डेटर क्रिएटर नहीं आया यार, डेटर क्रिएटर यार, सीरियसली यार, डेटर क्रेडिटर यार, सीरियसली, मतलब यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, कुछ बोलने लायक नहीं बचे तुम। चलो डन एवरीबॉडी, चलो यार आइडिया क्लियर है। अब ये 73 और से, बस नीचे 73 और 76 मैंने आपको पढ़ा दिया, पर ये 73 76 में कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी कहां है? तो 76 से ए, और बहुत प्यार से 76 से की पेनल्टी दी है एकदम 76 ए। पूछो क्या, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो कंपनी को पेनल्टी है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, ये तो नॉर्मली ही आएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, प्लीज फोकस, दूसरा ये पेनल्टी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, तो जो ध्यान नहीं देगा उसको क्वेरी आएगा और ये बाद में कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अ रेंज, रेंज में लोअर लिमिट दी है और एक अपर लिमिट दी है। अपर लिमिट 10 करोड़ फिक्स है, लोअर लिमिट में बोला गया है कि 1 करोड़ या 2 मल्टीप्लाइड बाय डिपॉजिट, विच एवर इज लोअर, ये मिनिमम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एग्जाम्पल क्रिएट करूं, लिखना मत, 2 मिनट के लिए सुन लेना, कि अगर आपका डिपॉजिट है लेट्स से 3 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा। सो मैं लिखता हूं यहां पे, डिपॉजिट है 3 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोड़, दैट इज कितना बोले एक बार, 6 करोड़, तो ये पेनल्टी हो जाएगी 6 करोड़ to 10 करोड़, विच अरे माय मिस्टेक, दिस वे विल बी लोअर ऑफ माय मिस्टेक, 1 करोड़ टू कितना बोले एक बार, उसे 10 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इफ द अमाउंट इज लेट्स से 30 लाख्स, अमाउंट इज के लेट से कितना बोले एक बार, 30 लाख, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 लाख आएगा, विच इज केवल एक बार उसे 60 लाख। सो 1 करोड़ और 60 लाख में से लोअर क्या आएगा, 60 लाख, तो 60 लाख to 10 करोड़। अब ये 60 लाख to 10 करोड़ जो पेनल्टी, उसमें से सिलेक्ट कौन करेगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, ये रेंज डिपार्टमेंट को मिल जाएगा खेलने के लिए, इसमें से सिलेक्शन डिपार्टमेंट करेगा। तो पेनल्टी बहुत खतरनाक है, खास करके ये पेनल्टी याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि चैप्टर में है ही सेक्शन 3, उसमें से एक पेनल्टी का है, क्लियर है सब। दूसरा, अगर ऑफिसर का डिफॉल्ट है 7 साल के तक की जेल, 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन, और साथ में 447 फॉर फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी, अगर फ्रॉड प्रूव हो गया तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को आपने याद रखना, ये आपका 73, 76 एंड 76 ए तीनों सेक्शन होते हैं खत्म, डिपॉजिट चैप्टर भी होता है खत्म सेक्शन वाइज, अभी रूल्स पढ़ना बाकी है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, सेक्शन के हिसाब से खत्म होता है। अभी कल मस्त, कल मतलब आज ही से हम थोड़ा बहुत रूल्स के बारे में जानना शुरू करेंगे, और डिपॉजिट के रूल्स भयंकर है, तो नियरली अपना पूरा कल का लेक्चर डिपॉजिट के रूल्स में ही जाने वाला है, कि डिपॉजिट के रूल्स क्या है, कैसे वर्किंग करने हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका मार्किंग कर लीजिए, गो फॉर इट फर्स्ट। हाँ
डिपॉजिट में लगती है, डिपॉजिट इज सीवियर ऑफेंस. बोलो, आज भी एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या? एक सेकंड, मैं सिर्फ उसकी बेइज्जती करने वाला था, अब सबकी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, ऑफ कोर्स है, मैंने बोल के रखा है 6, 7, 8 तीनों दिन में एक्स्ट्रा लेने वाला हूं. कब से चिल्ला रहा हूं जीवन में? कब बोला? किस किस को याद नहीं है? खड़े रहो. 6, 7, 8 तीनों दिन एक्स्ट्रा है, फुल स्टॉप. ठीक है, तमन में आया? याद हो गया सबका? बोलो हाँ. आया ना? लिव लगा. यहां पे आपका सेक्शन 73, 76 एंड 76 से होता है खाता. अब जाते हैं हम रूल्स पे, डिपॉजिट के लूल्स. लूल, लूल मत समझना इसको, ठीक है? बहुत खतरनाक लूल्स है. आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? यू आर नॉट रेडी? डू यू वांट टू गो मैड? देखो 5-6 पेजेस के रूल्स ही पढ़ने अपने को, पूरा एक लेक्चर रूल्स ही रूल्स. कल पढ़ते? कल नहीं पढ़ते. 73 हो गया, 70. अच्छा, एक काम करो, पेज नंबर 5.11 पे आओ. 5.11 पे फटाक करके आओ, मस्त कलर का पेन उठाओ. सेक्शन 74 दिख रहा है, डू द ऑनर्स, काट डालो. फाइव पॉइंट इलेवन है ना? अच्छा हाँ, सॉरी 14, माय मिस्टेक. 14 बेस नंबर 5.14 काटो. सेक्शन 74 काटना है पूरा. मजा आया? सेक्शन 74 पढ़ना लिखना आता हो तो काट दो. भिखारी लोग, ये काटना है क्या, वो काटना है क्या? नहीं, थोड़ा नीचे ना ले. आगे बढ़े. बोलो हाँ या ना? आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स. ये हाउ इज द जोश? वन डे साइमा डीके गाय को गो बैक. का ही संबंध है डीके गो बैक? मुझे कह दो हाय 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 हाय. कैसे लोग यार, मतलब भला करो तो भी. अरे ये कहा है जीवन में नए नए का है भिखारी लोग? ठीक है, अब नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा रहा. ओके, नहीं पढ़ा रहा, आंसर राइटिंग करेंगे. अच्छा है, डीके गो बैक बोल के जो तुमने मेरे को आइडिया दिया है ना, वो बहुत मजा आया जीवन में. अभी गया, अभी तुम गए काम से, मेरी कोई गलती ही नहीं है. ए, तुमने बोला ठीक है बाबा, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलती किया? नहीं, वीडियो नहीं, ये एक्सप्रेशन का मेरे को वीडियो चाहिए. बहुत मजा आएगा जीवन, इतना मस्त बोलते हो तो ऐसे मजा ही आ जाता. हाँ बोले, रोना शुरू करा. आंसर राइटिंग करना है सबको? आंसर राइटिंग करना है. हाँ, क्लास खत्म हो जाएगा ना तो ऐसे डेली टीवी पे लगाया करूंगा इसको मैं. ऐसे एकदम दुखिया रे चेहरों को लेकर, मजा मजा है, मजा आएगा, मजा आएगा. चलो आ जाइए. अरे बाप रे बाप, ऐसा मजा आ रहा है ना मेरे को, माँ कसम.
चलो आ जाओ। चलो आज गाइस रेडी बोलो। हाँ सो गाइस एंड बॉयज बोलो अंबा। चलो फोन निकाल लो फोटो निकाल लो। अरे बाप रे बाप कैसे फंस गए जियो ने वहां कसम। 5 मिनट पहले ही फंस गए तू आज। नेहा चलो एक ही दिया फोटो सबने बोला है ना। बोल रहा हूं लास्ट बार है अब कोई इसके बाद फोटो किसने नहीं मिलेगा। किसो फर्स्ट पहले वाले का किस लिया ठीक है दूसरा फोटो ओके। फाइव पॉइंट फाइव सिक्स मार्क्स क्लास वर्क। ठीक है गो बैक बोला ना तुमने। उधर देखो सब ऐसे लग रहा है कि सब ऐसे मातम छा गया वहां पे एकदम। चलो ये तो क्लास वर्क के हुए अपने दो होमवर्क अपने एग्री हुए थे ना तो दो होमवर्क देने पड़ेंगे ना। माय गॉड इतना बेकार कोई नहीं फंस सकता जिंदगी में। कसम फोटो खींच लो। अरे बाप रे बाप। चल ये दो होमवर्क है ठीक है ये दो होमवर्क और चार्ट ये तीन होमवर्क हो गए और एक क्लास वर्क है तुम्हारा। चलो कैसा बेकार फंस गए ना यार तुम जीवन में सच में मतलब मत खुद ही बनाए हुए जाल के अंदर खुद ही फंस गए। चलो टाइमर आर यू गाइस रेडी। अच्छा सेक्शन 23 और 73 और 76 के आंसर राइटिंग पॉइंट वैसे तुम्हारे पास नहीं है पर वैसे है जो मैंने तुमको डिफरेंस वाले पॉइंट लिख के दिए हैं। यू कैन यूज देम एज आंसर राइटिंग पॉइंट्स ठीक है तो डिफरेंस एक बार रीड कर लो तुम्हें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। गो फॉर इट फर्स्ट प्लीज। चलो फास्ट रीड करो आपके पास 2 मिनट है 2 मिनट के बाद मैं टाइमर शुरू कर दूंगा ठीक है। एक्साइटमेंट नर्वसनेस मस्ती मजाक सब बाजू में आंसर राइटिंग इज अ क्रूशियल एलिमेंट। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो मस्ती मजाक सब बाजू में प्लीज रीड द डिफरेंस केयरफुली उससे आपको पॉइंट्स बनाने हैं। चलो फास्ट रीड करो। बुक का है दूसरी बुक में लिख दो आज दूसरी लाइन नहीं वो बाजू वाले के कपड़ों पे लिख ले।
तो उसे पेज फाड़ के मांग ले। फोन चाहिए काई के लिए? फोटो खींचने के लिए, बाद में व्हाट्सएप पे शेयर करवा लेना। क्लास वर्क दो है, दो क्लास वर्क, दो होमवर्क, हम दो हमारे दो। रीड करने के लिए समय दिया है, बात करते हुए देखा तो खड़े रह के क्लास वर्क करना पड़ेगा, वो और तकलीफदायक होगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो। प्राइवेट कंपनी का एग्जम्पशन में मेंशन करूंगा, वो छोड़ के बाकी सब लिख लो। स्टेट द प्रोसीजर, बच्चे हुए पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो ना। रही बात प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशन की, वो मैं बता दूंगा। जो मेरे से बहस करेगा खड़े रह के लिखना पड़ेगा। चलो, योर टाइमर इज स्टार्टिंग नाउ। मस्ती मजाक साइड में, आंसर राइटिंग से ही अपन आज के डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, सो मस्ती मजाक छोड़ो, प्लीज गेट बैक टू योर वर्क। आर यू गाइस रेडी? सो एक 4 मार्क का और दूसरा कितने मार्क का है? 6 मार्क का, कैलकुलेशन वाला है, सेकंड वाला। तो 8 + 6 = 14 मिनट, 14 मिनट्स। आर यू गाइस रेडी? 14 मिनट्स में दोनों खत्म चाहिए। हाँ गाइस, श्योर। आर यू गाइस रेडी? पहले 6 मिनट बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। लिखो, बाजू वाले के पेजेस फाड़ लो और लिखो लिखो लिखो, पेजेस फाड़ो बाजू वाले की बुक के। मांग उस, मांग उससे, उसको बोलना पेज दे, भीख मांग थोड़ी सी भीख, उसके पास भी नहीं दे दे उसको, दे फिर पेज। सीरियसली आंसर राइटिंग करना है। जिनके बुक मैंने ले लिए उन्होंने साइड वाले से पेजेस फाड़ के आंसर राइटिंग करना है, पर करना है। हाँ सॉरी,
9 minutes remaining. एट मिनट्स रिमेनिंग. क्वेश्चन शफल करूं. Half minutes.
थ्री मिनट्स एटवर्थ कैलकुलेशन आता क्या करना है क्या कि नहीं करना है मस्त है सवाल मस्त है कि नहीं सवाल बिल्कुल भी नहीं आया पिछला पेज देखो हो गया क्या लास्ट टू मिनट्स I don't know. Thirty seconds. हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप राइटिंग कितने लोगों का हो गया ओके सवाल है इंटेंजिबल असेट्स चार्ज के लिए लग सकते हैं क्या दूसरा सवाल है नेटवर्थ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या आंसर क्वेश्चनेयर में दिया है कृपया एक बार रीड करके आइएगा सिर्फ ठीक है कंक्लूड करके तो आज तुम्हारा होमवर्क क्या है दो क्वेश्चन एक चार्ट और वो पांच पांच बार वाले ठीक है वो याद रखना वो मत भूलना हाँ वरना कल खड़ा रहना पड़ेगा हम वापस मिलेंगे आज 2:15 बजे मैटिनी शो में थैंक यू बोलो बच्चों थैंक यू बोलो वरना एक और होमवर्क दूंगा जोर से बोला Good day, God bless you.